आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर पीछे बैक स्टेज पर, उनको किसी भी तरह के कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप सब लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और उनको बहुत प्यार करते हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। क्योंकि जब से मैंने सीरीज शुरू करी है तब से हमारे कमेंट सेक्शन में कोई भी एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जहाँ पर आपका नाम ना लिखा हो। कई बार मुझे ऐसा लगता है देख करके कमेंट सेक्शन को कि ये मैं अपने चैनल पे आया हूँ आपके चैनल पे। मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्टिव रहता हूँ तो मुझे आइडिया नहीं था इस बात का, पर मैं थैंकफुल हूँ कि आपने बुलाया, इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ। सर प्यार बहुत करते हैं बच्चे आपको, मतलब इतना प्यार है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस और नो? सो अब आप लोग जो चाहे जैसे चाहे इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन आती है कि जिसमें दो रास्ते, एक प्रैक्टिकल और एक इमोशनल, तो बैलेंस आउट कैसे करना है? इमोशनल और प्रैक्टिकल में हमेशा विरोध नहीं होता है, कभी कभी साथ भी चल सकता है। और सिर्फ इमोशनल कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, प्रोपोर्शन का डिफरेंस होता है। जब इमोशंस आपके दिमाग पर बहुत हावी हों तो फैसला करने से बचना चाहिए, स्पेशली बड़ा फैसला। छोटा तो ठीक है कि आपके दोस्त ने कहा कि दोस्त नहीं एक फिल्म देखेगा मेरे साथ, आप इमोशनल हो जाके देख ली फिल्म, क्या हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। पर कोई ये कहे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, शादी नहीं कर सकते मुझसे और हमने शादी कर ली, ये ठीक नहीं है। सिर्फ इमोशंस में आके बहुत बड़ा फैसला मत कीजिएगा, चाहे वो करियर का हो, चाहे पार्टनर का हो, चाहे कोई भी फैसला हो। प्रैक्टिकल इतना नहीं हो जाना है कि आप मशीन, रोबोट या पत्थर बन जाएं, क्योंकि आप कितने भी सक्सेसफुल हों यदि आप इमोशनली सक्सेसफुल नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, इमोशनली वेलबींग के स्टेट में नहीं है, तो आपके सक्सेस किसी काम के नहीं है, एकदम मीनिंगलेस है। सो द सक्सेस इन टोटैलिटी नीड्स इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी एज वेल। इसलिए इमोशंस को खारिज करके जिएंगे तो शायद कुछ अचीवमेंट्स बड़ी हो जाएं पर वो किसी काम के नहीं है। केवल इमोशंस पे चलेंगे तो हो सकता है कि अचीवमेंट जिंदगी में ज़्यादा हो ना पाए, तो बैलेंस की बात है। और सबसे अच्छा तरीका है जब बहुत इमोशंस हो, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, सिर्फ एक तरीका मैं जो अपनाता हूँ, उस क्षण में फैसला नहीं करना है। कुछ भी हो, कोई कितना भी प्रेशराइज करे, सिर्फ इतना बोलिए कि मैं 24 घंटे बाद बताऊँगा आपको, थोड़ा सोचूंगा इस बारे में। और यदि आपने उस मोमेंट से खुद को बाहर निकाल लिया तो फिर आप डिटैच होकर देख पाएंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल एलिमेंट भी रहे, इमोशनल एलिमेंट भी रहे, वो फैसले सबसे अच्छे रहेंगे लाइफ के लिए। मैं आपको एग्जांपल से बात समझाता हूँ। ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे थे, अफेयर में थे, एक का सिलेक्शन हो गया, अब उसके सामने क्राइसिस ये है, स्पेशली किसी लड़की का हो गया, लड़के का नहीं हुआ। अब हमारी सोसाइटी में ना लड़की ऊंचे पद पे हो, लड़का ना सफल हुआ हो तो बड़ा मुश्किल है सोसाइटी में, उनको शायद दिक्कत नहीं है। अब वो लड़की प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूं, ये कह के अगर हट जाती है और शादी करती है किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत सफल है। आई नो मैनी सच पीपल पर्सनली, मैं नाम नहीं बोल सकता किसी का, मैंने जनरली पाया है कि वो लोग लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहे बाद में, क्योंकि सफलता के नाम पर, प्रैक्टिकल होने के नाम पर ऐसे व्यक्ति को चुना जिसके साथ वो रह नहीं सकते ठीक से। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो IAS बने, IPS बने, जिनको करोड़ों रुपये के दहेज के ऑफर्स आए, साफ ठुकरा के कहा कि मैं जिंदगी एक ही व्यक्ति के साथ गुजार सकता हूँ जो मेरे साथ है, और हैं बहुत खुश हैं। अब कोई कह सकता है उनके परिवार में कि इसने प्रैक्टिकल फैसला नहीं किया, इमोशनल फैसला किया, पर अल्टीमेटली किसी चीज़ की वैल्यू क्या है? आपकी लाइफ बेहतर हो। YouTube पे जिसके 1 लाख भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो मोनेटाइज करता है, 1 लाख क्या जब मिनिमम हो सकता है, खूब पैसा कमाते हैं, ब्रांड प्रमोशन करते हैं, साबुन तेल बेचते हैं बीच बीच में। आपका चैनल तो शायद देश में सबसे बड़ा चैनल है, आप चाहें तो कितना नहीं कमा लेंगे। मुझे कुछ दिन पहले एक एजेंसी के लोग मिले जिन्होंने बताया कि इनकी जैसी ख्याति है उस लेवल पर महीने में कोई 5-10 करोड़ भी कमाना चाहे तो कमा सकता है आराम से इस YouTube चैनल से। तो मैंने पूछा कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको इतना मजबूत बनाती है कि आप नहीं इस रास्ते पर जाते, मैं वो जानने में इंटरेस्टेड हूँ। तो 10 मिनट की बात के बाद मैं समझ में आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं अपनी वैल्यू के खिलाफ चला गया तो खुश कैसे हो जाऊँगा? पैसा मुझे कैसे खुशी देगा जब मैं ही नहीं रहा, तो खुशी किस बात की? इसलिए इतना प्रैक्टिकल मत होना कि अपनी माँ के
पिता के, भाई बहन, दोस्त, जो प्रेमी प्रेमिका है उनके इमोशंस के साथ खेलने लगो। इतना प्रैक्टिकल कभी मत होना, इतना इमोशनल मत होना कोई आपको बेवकूफ़ बना सके, बात बात पर बेवकूफ़ बनाता रहे। और बैलेंस जिंदगी जो है ना वो मध्य मार्ग में है, जिंदगी एक्सट्रीम पे नहीं है, मध्य में है। तो प्रैक्टिकल और इमोशन का बैलेंस रखिए, लाइफ बढ़िया होगी। आपने सर इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मेरे पास में कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। यूजुअली मेरे पास में कुछ होता है ऐड करने के लिए, लेकिन आपने पूरा ही उसका ऐसा निचोड़ निकाल दिया। आपने यूट्यूब पे इतना बोला कि सच में नहीं बचाऊंगा आपके पास। 6-7 साल पहले की बात है, मेरी एक स्टूडेंट थी जो सुसाइडल टेंडेंसी की शिकार थी उस समय। उसके घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी, उसकी मदर की डेथ हुई थी, और एक ऐसी ट्रेजेडी जो बहुत ही रेयर किस्म की ट्रेजेडी है जो शेयर करना ठीक नहीं है यहाँ। तो वो मेरे पास आई और मुझे लगा कि आज मैं पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से बात करूं जो डिप्रेशन में है और सुसाइड कर सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर। अब मैं परेशान था कि मैं कैसे मैनेज करूं, और मुझे मोटिवेशन की ऐसी जानकारी उस समय तो बिल्कुल नहीं थी, बाद में थोड़ा बहुत पढ़ा। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम घर जाओ, मैं कुछ देखता हूँ। फिर मैं घर गया, नेट पर सर्च करना शुरू किया, करते करते मुझे आपका एक वीडियो मिल गया, अनस्टॉपेबल, शायद कुछ आपने एक वो बनाया था उस समय। तो मैंने वो थोड़ा सा देखा 10 मिनट का, मुझे लगा कि ये जो है ना ये इंजेक्शन है किसी मतलब डिप्रेस व्यक्ति को तुरंत मोटिवेट करने के लिए। तो मुझे ध्यान है कि मैंने उसको वीडियो का लिंक भेजा, मैंने कहा देखो जिंदगी अपने रास्ते पर चलेगी, ठीक हो जाएगी। जब जब मूड ऐसा हो, बहुत डिप्रेसिंग हो, सुसाइडल मन करे, उस समय वीडियो देखना ध्यान से, और कम से कम उस बुरे फेज से बाहर निकल जाओगी। और फिर मैंने वो वीडियो अपने फैमिली में भी 2-3 बच्चों को भेजा, जो जो बच्चे उस क्राइसिस में होते थे। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सब बच्चों की जान बचाने में, क्या बात कर, बड़ी भूमिका है। थैंक यू सो मच सर, इट मींस अ लॉट टू मी। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं नहीं, कई कई बच्चों की जान बचाई होगी आपने जरूर, जो वो एक मोमेंट होता है, उस मोमेंट में कोई बचा ले तो लोग बच जाते हैं, वो मोमेंट क्रॉस हो जाए तो फिर चीजें बिगड़ जाती हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, बोथ ऑफ यू, मैं हमेशा से आप दोनों की बहुत फैन रही हूँ। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ, मेरे लिए रियलिटी नहीं है। मुझे बस आपसे ये जानना, मैं हर मतलब एवरीडे 8 से 10 आवर में पढ़ाई करती हूँ, बट मुझे कभी कभी बहुत डीमोटिवेशन आ जाता है कि होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। देखिए डीमोटिवेशन अगर आपको दिन भर में 1 घंटे आता है। नहीं सर, ऑलमोस्ट टाइम पढ़ाई करने के बाद 2-3-4 दिन के बाद ही होता है कंटिन्यूअसली। अगर महीने में 4-5 बार आता है और 1-1 दिन के लिए आता है तो इसका मतलब आप एकदम ठीक हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि मुझे डीमोटिवेशन कभी नहीं होता तो उसको इलाज की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप अपने से बेहतर व्यक्ति को देखेंगे आपको थोड़ा सा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, डीमोटिवेशन आएगा। जब आप अपने से कमज़ोर को देखेंगे आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन ज़्यादा हो जाएगा। जिस दिन टारगेट पूरा हो जाएगा मोटिवेशन आ जाएगा, जिस दिन टारगेट पूरा नहीं होगा डीमोटिवेशन आएगा। जिस दिन टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे आप मोटिवेशन के साथ लौटेंगे, जिस दिन खराब आएंगे डीमोटिवेशन होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जिस दिन आप मोटिवेटेड हैं उस दिन आप वजह बन गए कईयों के डीमोटिवेशन की। लगातार मोटिवेटेड होना एक मेंटल इलनेस की निशानी है, और लगातार डीमोटिवेटेड होना डिप्रेशन की निशानी है, इन दोनों से बचना है। तो डीमोटिवेशन की बहुत हाइप है, इतनी हाइप की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हो एन्जॉय कीजिए उसको। और जब जब लगे कि ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है तो मैं जो करता हूँ, अजीब सा लगेगा आपको, मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ। सच में चला जाता हूँ, या ट्रॉमा सेंटर चला जाता हूँ देखने के लिए। ट्रॉमा सेंटर में जाके 1 घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे हमसे कम उम्र के लोग वहाँ जल रहे होते हैं तो लगता है हम जिंदा तो हैं। अगर मैं थोड़ा सा कॉग्निटिव लेवल पर बात करूँ, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ, उसका नाम है ब्रेंटानो, कभी सर्च कीजिएगा उसको। ब्रेंटानो ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी किया और उसने ये बताया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बेसिक नेचर है कि जो हमारे पास है वो हमें नज़र नहीं आता, जो नहीं है वो नजर आता है। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जो आपको नहीं मिलेगा ना,
हमेशा बड़ा होकर दिखेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। तो ईमानदारी इसमें है कि जब जब डीमोटिवेशन और डिप्रेशन हो, एक कागज लेके बैठ जाइए और एक तरफ लिखिए मेरी जिंदगी में ऐसा क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, पेज भर जाएगा पूरा। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए और एंजॉय कीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा पुराना हो गया है और बहुत लोग बोलते हैं कि इसे चेंज करना चाहिए और ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो रही है जो हम अभी करंटली पढ़ रहे हैं, तो इस पे आपका ओपिनियन क्या है? एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत मेजर चेंजेस की ज़रूरत है और ये बात भारत सरकार ने एक्सेप्ट भी की है, नई पॉलिसी भी लेके आए हैं। मतलब मुझे लगता है कि कई लेवल्स पे देखना है। सबसे पहले तो ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि एजुकेशन का पर्पस है क्या। क्या पर्पस केवल नौकरी लेना है, एक जॉब मिल जाए वही पर्पस है? मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। मेरी राय में एजुकेशन का बेसिक पर्पस है कि एक होमो सेपियंस एक इंसान बन जाए, सोचना आ जाए उसको, समझना आ जाए। कोई राजनेता या धर्मगुरु उसको गधा ना बना सके, बेवकूफ़ ना बना सके, उसे इतनी समझ हो कि वो चीज़ों को फैक्चुअली ऑब्जेक्टिवली समझ सके, तर्क कर सके, बहस कर सके, और अगर तर्क और बहस में सामने के तर्क ठीक हैं तो उनको एक्सेप्ट भी कर सके, इतना विनम्र भी रहे। बेसिकली पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का प्रोसेस एजुकेशन है, वो केवल नौकरी का मामला नहीं है। पहली गलती तब होती है जब हम उसको केवल नौकरी का मामला मान लेते हैं। मतलब नौकरी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वो उसका पर्पस नहीं होना चाहिए। सेकेंडली कई ऐसी चीज़ें, जैसे अगर बहुत विस्तार में तो भी नहीं जा सकते, जैसे एक बहुत छोटी बात है सेक्स एजुकेशन हमारी सोसाइटी में। ये इतनी ज़रूरी चीज़ है स्कूल में, जो एडोलसेंस की एज के लोग हैं, 12, 13, 14 की एज के लोग हैं, उनको वो सब चीज़ें बताएं ताकि गलत सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ना मिले, कोई गलती ना कर बैठें। हेल्थ एजुकेशन के रूप में हो, उनको सारी चीज़ें पता हों, ठीक हाथों से पता हों, ठीक तरीके से पता हों। फिर मेरा ख्याल है कि जैसे IITs में अब तो होने लगा है, पहले क्या था कि हम टेक्नोलॉजी सेंट्रिक एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करते थे कि आपने मशीन को समझ लिया, तकनीक को समझ लिया, हो गया, इंसान को नहीं समझा। टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले लोग समाज और इंसान से एकदम कटे हुए थे, अब तो ह्यूमैनिटीज़ के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई है। एक होलिस्टिक एजुकेशन हो, ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा केवल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी पढ़ता है, उसको कोडिंग का सी भी नहीं आता, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं आती उसको, उसको MS Excel भी नहीं पता क्या होता है। टेक्नोलॉजी वाला सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ता है, वो ह्यूमन ब्रेन को नहीं पढ़ना चाह रहा, सोसाइटी को नहीं पढ़ना चाह रहा। क्यों नहीं एक ऐसी शिक्षा हो जिसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, होलिस्टिक अप्रोच हो, कि हम खुद तय कर सके कि किस किस एरिया में हमें ज़्यादा जाना है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ की हो। तो बेसिक तीन फार्मूले माने जाते हैं। एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है कि 10वीं क्लास तक की शिक्षा हर बच्चे को मिले, ठीक से मिले। वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी 11वीं 12वीं की पढ़ाई का पर्पस है कि बच्चा ये समझ पाए कि उसको ज़िंदगी में आगे कहाँ जाना है। और फिर जो हायर एजुकेशन है वो सबको करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, वो शौक पूरा करने के लिए नहीं है, वो शादी का वेटिंग रूम नहीं है, वो उसके लिए है जिसको सच में आगे पढ़ना है, वो उतना पढ़े, सब्जेक्ट चूज करे और फिर उसमें गहराई से रिसर्च करे ताकि डेवलपमेंट के रास्ते पर हम बढ़ें। हम एजुकेशन के मामले में बहुत बुरी स्थिति में हैं। मैं तो अब जिस उम्र में हूँ, मेरा अब तो पर्पस भी ये बन गया है कि अब मैं उसी पे कुछ काम करूँ। एक यूनिवर्सिटी शुरू करने की योजना मेरे मन में है, इनसे मैंने शेयर भी किया था। और मैं जिस तरह का विश्वविद्यालय सोचता हूँ, वो नौकरी देने के पीछे पागल नहीं होगा, वो होमो सेपियंस सेपियंस को कायदे का इंसान बनाने की कोशिश करेगा। नौकरी तो उसका एक पार्ट है। मतलब आप जितने भी सफल लोगों को देखेंगे जनरली, जैसे मैंने इन्हीं से पूछा, ये जिस फील्ड में सफल हैं, इनका जो करियर है, अगर मैं इसको छोड़ भी दूं तो अदरवाइज भी जो इनका करियर है वो उस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है जो इन्होंने पढ़ा है ग्रेजुएशन में। मेरा भी नहीं है, आमतौर पर किसी का भी नहीं है। 90% लोगों को मैं देखता हूँ जो सक्सेसफुल हैं, उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में और लाइफ की फील्ड में कोई लिंक नहीं है। तो बेसिक पर्पस क्या है? वो स्मार्टनेस बाहर आ जाए, ग्रूमिंग हो जाए, इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो सब जो टूल्स हैं वो उस बच्चे को सीखने को मिल जाए ताकि फिर वो ज़िंदगी को फेस कर सके, इनोवेट कर सके, नए रास्ते निकाल सके। 1000 रास्ते दुनिया में होते हैं। तो सच बात है कि काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है और आप और हम मिलकर करेंगे चेंजेस। एजुकेशन वाइज अगर देखा जाए तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है अपनी लाइफ में, बट मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखोगे कि एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये है कि एक इंसान का दिमाग खुले, बजाय कि उसका दिमाग इतना नैरो डाउन हो जाए कि उसको लगे कि बस यही
अगर हो गया तो सक्सेस है, ये नहीं हुआ तो फेलियर है। आप अनगिनत तरीकों से अपने गोल को, अपने पर्पस को, या जो भी आप करना चाहते हो उसको अचीव कर सकते हो। एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए, और वही मेरी कोशिश है अपने इन सेशंस के थ्रू करने की, कि एक इंसान का दिमाग खुल जाए, उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी माइंडसेट आ जाए, ना कि एक लिमिटेड माइंडसेट हो कि बस ये हो गया तो बहुत है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो लिमिटेड माइंडसेट है ये बहुत लोगों का है, करोड़ों लोगों का है, तो वहां पे कॉम्पिटिशन भी बहुत है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट जबकि देखा जाए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत कम लोगों का है और वहां पे कॉम्पिटिशन कम है। और पॉसिबिलिटी माइंडसेट क्या होता है कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं, अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं क्रैक नहीं कर पाया। देयर हैज टू बी अ वे। ये एजुकेशन काम अगर कर दे तो रियल एजुकेशन हो गई हमारी, मतलब एक इंसान को। हाँ, सॉरी, थॉमस एडिसन बल्ब के आविष्कार में लगा हुआ था। हाँ जी, हजार बार फेल हुआ तो किसी ने उससे पूछा कि यार तुम बार बार करते, होता तो है नहीं तुमसे, क्यों कर रहे हो? तो उसने पता है क्या कहा, हर फेलियर के बाद मैं ये जानता हूं कि बल्ब इस तरीके से भी नहीं बन सकता, और अब मैं हजार तरीके जानता हूं कि इन तरीकों से नहीं बनेगा, और उसके बाद वो तरीका ईजाद हुआ जिससे बना। एजुकेशन से एक इंसान का दिमाग इतना खुल जाए कि सबसे पहली चीज तो उसको ये समझ आए कि मैं कुछ भी नहीं जानता। हाँ, एकदम ठीक बात है। एजुकेशन मस्ट बी सच कि वो लाइफ लॉन्ग आपका एक क्वेश्चनिंग माइंड बना ही रहे। हाँ। कि आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके दिमाग में क्वेश्चंस चले, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स। जो भी आप काम कर रहे हो वो क्या है, अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तभी उस काम में वैल्यू है। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर रहे हो तो उसमें वैल्यू कहां ऐड हो रही है, और वैल्यू नहीं ऐड होगी तो आपको पैसा कैसे मिलेगा, फिर चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। सो द आइडिया इज कि आपका दिमाग ये चलना चाहिए, अच्छा ये प्रॉब्लम है ना, पहले तो मुझे नहीं पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता है तो आपको वही पता है जिस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती आई है। दैट मे नॉट बी रेलेवेंट इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, बट स्टिल आप उसको उसी तरह से सॉल्व करोगे जिस तरह से सब कर रहे हैं, वहां पर कॉम्पिटिशन है, फिर आप कहोगे कि कुछ हो नहीं रहा है। सो द आइडिया इज कि पहले तो ये प्रॉब्लम है जो मुझे अच्छे से समझ आई, मैंने इस पर फोकस किया, अब इसको सॉल्व करने के इन्फिनिट तरीके हैं, एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, मुझे पता नहीं है। दिस इज द गोल ऑफ एजुकेशन कि मुझे नहीं पता है लेकिन पता किया जा सकता है, दिस इज अनदर गोल ऑफ एजुकेशन। उसमें से कुछ तरीके काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये भी हमको क्लियरली पता होना चाहिए। मतलब जॉब पर्सनैलिटी मस्ट बी डायनेमिक, इट मस्ट नॉट बी स्टैटिक। जैसे मैंने देखा है बहुत लोगों को जो मुझे मिलते हैं, कुछ लोग हैं उसमें से जो, जैसे मैं सर से मिला अभी ऑफ कैमरा, हम लोग बैठे हुए थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस सर आपके साथ में बैठ करके, जिस तरह से, जिस ठहराव से सर बात कर रहे थे, जिस तरह से चीजों को सुन रहे थे, समझ रहे थे, और मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो देर वॉज अ कॉन्वर्सेशन विच वॉज गोइंग ऑन। ऑन दी अदर हैंड देर आर सम पीपल जिनसे मैं कभी कहीं मिला तो उनकी अप्रोच क्या है कि मुझे सब पता है, वो गड़बड़ हो जाती है। शिक्षा की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध कहावत है, भारतीय अगर परंपरा में देखें तो विद्या ददाति विनयम एक बहुत प्रसिद्ध कथन है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में भी नहीं है। और जिसको ये पता है कि मेरा ज्ञान बहुत कम है वो विनम्र ही रहेगा। और इसलिए जो बड़े प्रोफेसर्स हैं, अगर आप कभी सुनेंगे, मैं जानता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था सबसे बड़े प्रोफेसर क्या बोलते थे कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ, कभी नहीं बोलते थे कि मैं प्रोफेसर हूँ। इतना साहस किसी में कैसे कि मैं प्रोफेसर हूँ? अरे आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहेंगे तो ही काफ़ी है, उससे बड़ी बात तो सोचनी भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है। मतलब कि एजुकेशन का गोल आपको प्रोफेसर बनाना नहीं है, आपको स्टूडेंट बनाना है। हाँ। अगर सर की बात को आगे एक्सटेंड किया जाए, एकदम सही बात, एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, कि आप सीखते चले जा रहे हो, सबसे, जिससे मिल रहे हो, लोगों से सीख रहे हो, सिचुएशन से सीख रहे हो, अपनी लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हो, बुरे से सीख रहे हो। जैसे मैंने देखा है जब भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, सबके क्वेश्चन एक ही होते हैं, सर सक्सेसफुल कैसे हो? कभी मैंने आज तक ये क्वेश्चन नहीं सुना किसी का भी जो इससे बड़ा क्वेश्चन है, जो आप रिलेट कर जाएंगे, कि सर सक्सेस हमारा दिमाग खराब किस तरीके से करती है, या सक्सेस का क्या माइनस पॉइंट है? सही बात। सक्सेसफुल होने से बड़ा है मीनिंगफुल होना, सार्थक होना। सफल होना छोटी बात है, सार्थक होना ज्यादा बड़ी बात है।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पे मतलब हमें ये लगता है, बहुत सारे निगेटिव थाट्स आते हैं कि मतलब आगे कैसे बढ़े, हाउ टू गेट रीड ऑफ फियर ऑफ फेल्योर, सर कैसे हम इसको हैंडल करें, अगर हम कोई किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं सर तो हमारे दिमाग में बहुत सारे निगेटिव थाट्स चलते रहते हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत तरह के नेगेटिव क्वेश्चंस आते रहते हैं सर, तो इसको कैसे हैंडल करना है सर इस सिचुएशन को? फियर ऑफ फेलियर थोड़ा सा ठीक भी है जी, ये हमें रोकता है उन दिशाओं में जाने से जहाँ हमें जाना भी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं सोचूं कि मैं फुटबॉल प्लेयर बन जाऊँ, मुझे पता है कि नहीं बन पाऊंगा, मेरी फिटनेस वैसी नहीं है, तो मुझे ये फियर रोक लेगा, ठीक बात है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया में हर चीज़ के लिए ठीक हो, हर किसी का एक पैकेज है, हर किसी का जो एट्रीब्यूट्स हैं या वर्च्यूज़ हैं उन सबका एक पैकेज है। वी कैन बी गुड एट फ्यू थिंग्स, वी कैन बी बेस्ट एट मे बी वन थिंग, वी कैन नॉट बी बेस्ट एट एवरीथिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने एप्टीट्यूड को देख के हम सिलेक्शन करें कि हमें कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। अगर सिलेक्शन कर लिया है तो फिर फियर ऑफ फेलियर होने की वजह ये है कि या तो आप जो कॉम्पिटिशन है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ पे कम फोकस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ पे फोकस करना, कुछ अच्छे लोगों की कंपनी में रहना जो थोड़ा सा मोटिवेट करते हों, अच्छे दोस्त हों, लगातार मनहूस टाइप की बात ना करते हों, ऐसे लोगों के साथ रहना, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उससे बाहर निकल के थोड़ा खेलना कूदना, मतलब फिजिकली फिट रहना, वो सब रहेगा तो हार्मोन्स जो हमारे दिमाग में आते हैं उससे, फिजिकल एक्टिविटी से जो एंडोर्फिन्स वगैरह हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोपामाइन वगैरह है, वो रिलीज होते रहें तो हम वैसे भी बहुत फियर से बचे रहते हैं। और अंत में मेरा तरीका ये है कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो फेल होना तय है, करूँगा तो चांस है कि फेल होऊंगा या पास हो जाऊँगा, तो नहीं करने में तो तय है कि फेल हो गया, तो क्यों ना एक बार चांस ले लेते हैं। और एक जगह फेल होऊंगा तो तय मान के चलिए कि दूसरी जगह मेरे फेल होने के चांस कम होगा, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस है प्रयास करने का और फेल होने का, और वो एक्सपीरियंस किसी ना किसी क्वांटिटी में हर फील्ड में काम आता है, मैच्योरिटी आपके अंदर आती है। और मैं एक शेर अक्सर यूज़ करता हूँ, बहुत बहुत प्रिय शेर मुझे है, और मुझे सच में लगता है कि ज़िंदगी को जीना बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। असली बात है कि आप प्रयोग करें, कोशिश करें, और हार जाएं तो दूसरी कोशिश करें। और मैं इसीलिए एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मुझे भी सर के जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है सर, पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं वीडियो बनाऊँगी, कंटेंट बनाऊँगी, तो संदीप सर को छोड़ के या फिर बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको छोड़ के मुझे देखेगा कौन? मतलब ये मेरे अंदर थॉट्स आते हैं कि अभी मेरा मतलब मैं 19 ईयर की हूँ, तो मैं जब वीडियो कंटेंट बनाऊँगी तो मैं कुछ, मुझे ऐसा मतलब मेरे अंदर ये थॉट है कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ या फिर कुछ बड़ा नहीं हूँ, तो मैं ये वीडियो कैसे डाल सकती हूँ? लोग क्या सोचेंगे कि मतलब तू ये तो खुद कुछ नहीं है और लोगों को मोटिवेट कर रहा है, ऐसा मेरे अंदर थॉट आता है। पहले या तो कुछ कर लीजिए ज़िंदगी में, उसके बाद मोटिवेट कर लीजिए, और नहीं तो मोटिवेशन एक पूरी साइंस है, साइकोलॉजी से जुड़ी साइंस है, उसको ठीक से पढ़ के रिसर्च करके उससे बात कीजिए। शुरू में तो जब इन्होंने भी शुरू किया होगा, कहाँ शुरू में लोग जानते होंगे, बड़ी लंबी स्ट्रगल होती है किसी भी फील्ड में, इतनी लंबी स्ट्रगल है। देखिए जो आदमी सफल है ना, आप ये जो हमारा वर्तमान है ये ऐसे ही नहीं बन गया है, हर सफल आदमी का एक बहुत लंबा अतीत होता है जिस पर नज़र किसी की नहीं होती है। और बशीर बद्र ने एक बड़ी गहरी बात कही थी, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। कितने साल तक ये लहू लुहान हुए होंगे, रोज छिला होगा शरीर, तब जाके लोगों ने पहचानना शुरू किया होगा। लगातार काम करने से, जिसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, परसिवरेंस कहते हैं, बात बनती है, आपकी भी बनेगी। मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एकदम स्क्रैच से शुरू किया और उसके बाद वो टॉप पे पहुंचे। आपने अपने क्वेश्चन में दो बातें टच करी, एक कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, एक है कि फियर ऑफ फेलियर है। एक तो ये फियर ऑफ फेलियर को हटाइए, अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो अपने माइंडसेट को रखिए एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट। आप ये समझिए लाइफ इज लाइक एन एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट का माइंड कैसा होता है, वो ये थोड़ी ना सोचता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये फेल हो गया तो क्या होगा। उसको पता है फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। जब तक 20 30 बार 50 बार 100 बार कोई एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ, इसका मतलब वो कुछ नया ट्राई नहीं कर रहा, इसका मतलब वो तो रिपीट कर रहा है।
जैसे स्कूल में बच्चे करते हैं लेबोरेटरी में कि बुक में देखा बस उसको कॉपी किया, तो दोनों में फर्क हो गया ना। एक है कुछ नया डिस्कवर करना, कुछ नया क्रिएट करना, एक है जो क्रिएट हो चुका है उसको रिपीट करना। तो यू आर टॉकिंग अबाउट बिकमिंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो अगर आप मेरे जैसे बनेंगे तो कोई क्यों देखेगा आपको, आपको तो अपने जैसा बनना पड़ेगा ना। तो अब उसमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या पता कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिसको लोग देखना चाहे, उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। एक तरह से आप वीडियो बना के डालोगे कोई नहीं देखेगा, दूसरी तरह से बना के डालोगे कोई नहीं देखेगा, फिर तीसरी तरह से, फिर चौथी तरह से, हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जा करके कहीं थोड़ा सा कुछ ऐसा क्लिक हो जाए जो हो सकता है आपको लग रहा था कि शायद ये नहीं होगा और वो क्लिक हो जाए। बट ये सब होता उसी के साथ में जो कुछ कर रहा होता है, जो कुछ ट्राई करता है। जैसे ट्राई करोगे तो हो सकता है हो जाए, नहीं करोगे तो पक्का है नहीं होगा, जैसा अभी सर ने थोड़ी देर पहले कहा था। थैंक यू सो मच सर यहां पर आने के लिए। आप में से कितने लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं आज के सेशन को लेकर के? तो अब मैं जैसे ही आपको नाम बताऊंगा उनका, जो हमारे आज के गेस्ट हैं, तो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और बढ़ जाएगा। ये बताने से पहले कि गेस्ट कौन है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं YouTube के बारे में। YouTube में क्या है कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो करोड़ों चैनल्स हैं जो अलग अलग जॉनर्स में हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हैं। उसमें से दो बड़ी कैटेगरीज हैं, मोटिवेशन और एजुकेशन। पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का नंबर वन मोटिवेशन चैनल है वो मेरा है, और जो वर्ल्ड का नंबर वन एजुकेशन चैनल है किसी इंडिपेंडेंट क्रिएटर का वो उनका है, जो कि हमारे गेस्ट हैं। उनके 17 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली खान सर। क्या अच्छा जी, कैसे हैं आप? इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ पूछे या इंटरेक्ट करे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है आपके लिए। जी। जो बच्चे हैं वो आपके इतने दीवाने क्यों हैं, इतने पागल क्यों हैं आपके पीछे? मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा था खान सर कब आएंगे, खान सर कब आएंगे, मतलब ऐसा क्या जादू कर दिया आपने बच्चों के ऊपर? ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं, हमारे पे भी इतना कमेंट आया, इतना मेरे तो ऑफिस में लोग चले आए कि सर कब जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोग का तो एग्जैक्ट है वही पढ़ाना है। तो देखिए, हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो ज़रूरत रहती है, कि अगर लड़का पढ़ने आया ना, उसके मन में कोई डाउट ना रह जाए। हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ, याद करके नहीं। प्लस आप जिस प्राइस पॉइंट पे पढ़ा रहे हैं, आई थिंक वो सबसे कम है, वो बहुत ही कम है। सर, ये जो फीस का कल्चर है, ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर गुरु दक्षिणा है, उस हिसाब से वो सही है। ऑक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए जरूरी है, वैसे एजुकेशन जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता है कि पैसे की वजह से वो खान सर के यहां से लौट गया। क्या बात है। मैंने देखा कि आपका ये जो चैनल है कि ये पिछले 3 साल के अंदर अंदर ही ग्रो किया है। हमको जब चैनल शुरू हुआ तो एक दिन में हम 4-5 वीडियो बनाए, एक हमको कुछ आता आज भी नहीं आता, इतना तो हम देख के कैमरा वैमरा तो हम कंफ्यूज हो गए, बाप रे। तो हम एक ही दिन में वीडियो शूट किया, पढ़ाने वाला टॉपिक था, हमको उसके बाद कभी वीडियो नहीं, 6-7 वीडियो एक ही बार शूट कर लिए। और एक जो थे जिनका कैमरा वगैरह था, मेरे पास कैमरे भी नहीं थे उस टाइम, और कैमरा 35,000 का था, तो 6 महीना इसी में लग गया, जो 35,000 इसी में फंस जाएगा। तो उनके कैमरे से शूट किए, उन्होंने कोई चार्ज लिया, उसके बाद हम छोड़ ही दिए। लॉकडाउन लगा तब हम कहें आप कैसे पढ़ाएंगे, वो तो एक दिन दो दिन करते करते अचानक लंबा हो गया, तब हमको याद आया कि ओहो मेरा एक चैनल भी है वहाँ पे। तो उस समय उस पर लगभग 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। तो जैसे लॉकडाउन लगा तो उस पर पढ़ाना चालू किया, और पता नहीं क्या लोगों को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आ गया कि आपका स्टाइल ऐसा है थोड़ा सा, आप आई थिंक पढ़ाई के साथ साथ में जो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत छोड़ते रहते हैं ना, मतलब जो एंटरटेनमेंट चलता रहता है ये बात। हम देखिए, जब हम गुलाम थे ना, तो अंग्रेजों ने एक चाल चला था
कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखेंगे 100-200 साल, मेंटली 1000 साल कर देंगे। उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया, उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पढ़ा के चला जाए। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं हो जाती है, पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता है, टीचर की इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे समझाना, वो समझा कि नहीं समझा। अगर लड़का आपके समझाने के बाद डाउट रह गया तो ये आपकी गलती है। लड़का हमसे पूछता है सर इतनी भीड़ है आपके पास, तो कहे सर डाउट कैसे पूछेंगे। हम कह रहे तुम्हारा डाउट बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट यहाँ पर। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है आंसर का, मानना पड़ेगा। और शायद यही वजह है इनकी जो ग्रोथ है उसका, किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पिछले 2 साल के अंदर अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे आपके 30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे, आज की डेट में 17 मिलियन है। और मेरा एक क्वेश्चन और है इससे पहले कि ऑडियंस में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल है या थोड़े से सेंसिटिव है, जिसके ऊपर बात करने की हिम्मत आई थिंक बहुत ही कम लोगों में है, तो आपको कभी ये नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को, तो आप कुछ भी बोल दो कितना हाँ, भी बोल दो। हुई है कंट्रोवर्सी बहुत बार। एक्चुअली बचपन से हमको फौज में जाना था, और फौज वालों के लिए ये सब मायने नहीं रखता, उसको करना है मतलब करना है, तुम सामने कुछ भी रहो डजंट मैटर। और मैंने YouTube पे देखा कुछ वीडियोस में कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे। कुछ गिरे थे, कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था, फटा नहीं वो। मतलब आपके आसपास? हाँ, बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत किया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं समझ पा रहा हूं कि ये आपके अंदर जो एटीट्यूड है ये कहां से आ रहा है, क्योंकि आप बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे, तो आप जंग के मैदान में ही खड़े हैं एक तरीके से, बस फर्क ये है कि आपके हाथ में कलम है, हथियार ना हो करके। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से, और ये एक ऐसा हथियार है मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में पीटने का, पनिशमेंट का ये सिस्टम जो है खत्म हो गया है। हम आपके वीडियो में देखे हैं सर कि आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं, पुलिस वाला लाठी है वो, पुलिस वाला लाठी है, और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से धुनाई शुरू कर देते हैं मस्त एकदम से, है ना। तो सर मतलब कि बच्चे मतलब कि डरते नहीं आपसे, और इस तरीके से कैसे कनेक्टेड है आपसे, है ना। और एक और क्वेश्चन सर, यूपीएससी का जो आप अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में बताइए सर, क्योंकि मुझे मतलब उस इशू करना है सर, ठीक है। और संदीप सर को देख लिए, मेरा तो वैसे ही हो जाना है। क्या हो जाना है मेरा, पूरा कंप्लीट करो। आई विल बी एन आईएएस ऑफिसर नेक्स्ट ईयर बिकॉज आई हैव सीन यू सर, माय डे इज लाइक कंप्लीट सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पूरा बोला करो। थैंक यू। देखिए लड़कों को जहां तक पीटने की बात है, जब पढ़ाने की बात आएगी तो उसको हम पूरे बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, लेकिन जब सजा देने की बात आएगी ना, तो वो भी बेहतरीन ढंग से होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि बस एक ही चीज बेहतरीन ढंग से होगा। और डर का होना बहुत जरूरी है, ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना, तो डर के भागिए मत, एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है, फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे। आप तो लड़कों के अंदर ये डर बनाना भी जरूरी रहता है। और रही बात यूपीएससी वाले की, जो आपने बोला, बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी की, क्योंकि 2-2.5 लाख फीस सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारा वही रहता है, हम तो ज्यादातर हमारे स्टूडेंट देखेंगे तो किसी के रिक्शा वाला, सब्जी वाला, यही लोग, इनको तो 2.5 लाख रुपए, इनके पास पूरी संपत्ति नहीं होती है, फीस कहाँ से भरेंगे वहाँ पे, उसके बाद रहेंगे कहाँ से। तो ऑल ओवर इंडिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है। यही कुछ 1000 रुपये मंथली 12-14 हज़ार साल का पड़ेगा, खत्म हो जाएगा इतना में। ये जो डंडे वाली बात इन्होंने कही, ये सच है? मतलब आप सच में एक डंडा रखते हो? पुलिस का ही है वो, और मारते हो? हाँ, कि मतलब अगर कोई लड़की छेड़ता है या ऐसा कोई भी उल्टा पुल्टा पढ़ाई लिखाई कुछ भी गलती करेंगे तो पिटाएंगे वो यहाँ पे कैमरे पे, ऑन कैमरा जैसा भी रहे, कुछ भी पिटाना तो उनको फिक्स है। एक तो कोई मतलब विधायक जी थे, उनके लड़का को पीट दिए, तो चला दल बल लेके अपना वहां पे, उसने घर पे नहीं बताया था कि सर ने पीटा है, बस बोल दिया कोचिंग में पीटा है। बाद में पता चला हम पीटे हैं, तो उसके पिताजी मेरे सामने और पीटे। सर आपका सबसे बड़ा डर क्या है, आप दोनों का? फौजी को डर नहीं लगता है।
बाकी अब सर से पूछिए। आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था, लेकिन अब मुझे इनकी डंडे वाली कहानियां सुन करके डर लग रहा है कि कहीं मैंने गलती से कुछ बोल दिया और इन्होंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है और यही आ करके अगर इन्होंने मेरी पिटाई कर दी तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो इसलिए हमको थोड़ा डर लग रहा है। आपकी डेली कितने घंटे क्लासेस होती हैं? 6-7 घंटे। अभी भी खुद ही करते हो आप? हाँ, हमारे स्टाफ परेशान रहते हैं, हम 1:30-2 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, परेशान रहते हैं। अरे इतना क्यों करते हो, है ना? कभी तो उनको भी साथ साथ लगना पड़ता है, उनको साथ साथ लगना पड़ता है, हम जग गए तो कोई सोया थोड़ी रहेगा, परेशान रहते, दिन में सोते ही नहीं है बेचारा, कहीं कहीं जाके सोते रहता है, हम सीट बांध दिए भाई तुम इस समय सो जाना, तुम इधर सो जाना। आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई अभी। मेरी खुशहाली देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सर थैंक यू सो मच टू यू एंड टू योर टीम कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। एंड सर अब तक मैंने आपको सिर्फ फ़ोन या लैपटॉप में ही देखा है दोनों को, आज फर्स्ट टाइम लाइव देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे, जब हम लाइफ में कोई डिसीज़न लेते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, और क्योंकि हम डिसीज़न लेते हैं तो हमारी आदत है कि पहले हम 4 लोगों से पूछते हैं कि तू बता तेरी क्या राय है, तू बता तेरी क्या राय है, तो उनमें से अगर कोई हमें कह देता है कि ये बेकार डिसीज़न है मत कर, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने लगता है और उसकी वजह से हम अपना डिसीज़न चेंज कर देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम अपने डिसीज़न पे स्टिक रहे, कैसे हम जो दूसरे के ओपिनियन है उनको अफेक्ट ना होने दें अपने ऊपर। दूसरे से सलाह लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आपको पहले से आइडिया है, उसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च किए हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है क्या निगेटिव है, उसके बाद आप किसी से सलाह लेने जाइए। इन्हें कि मन में आया सीधा बताओ, गड़बड़ा जाएगा। तो वहाँ पर पहले आपको R&D करना पड़ता है, समझा कि नहीं? और ज़िंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है, तो डिसीजन चेंज करना बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और मैं इसी बात में थोड़ा सा और ऐड ऑन करूँगा कि ये जो आपने कहा ना कि अपने डिसीजन पे स्टिक कैसे रहें, ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपने डिसीजंस को चेंज करना होता है। जैसे आपने 4 लोगों से डिस्कस किया, कोई इंसान कुछ पॉजिटिव बोल रहा है, कोई नेगेटिव बोल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डिपेंड ये करता है कि वो जो बोल रहा है उसका बेसिस क्या है, क्या वो किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है या ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। ऐसे ही बोल रहा है तो फिर उसकी बात पे ध्यान क्यों दे रहे हो? अगर किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है, फिर चाहे वो पॉजिटिव बोल रहा है चाहे नेगेटिव बोल रहा है, दोनों ही मायने रखता है। उसके बाद में रिसर्च करनी है, और फिर रिसर्च करने के बाद में फाइनल डिसीजन अपना खुद का होना चाहिए। अब वो डिसीजन उससे अलग भी हो सकता है जो आपने पहले लिया था, और वो सेम भी हो सकता है। सर मेरा क्वेश्चन दोनों से है आपसे, हाउ टू डील प्रोक्रास्टिनेशन एंड लेजीनेस। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना, तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में। उसको आप उस पर हावी में, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चले, आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया आपको। हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर। प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का एक ही तरीका है, सबसे छोटे लेवल पे ले जा करके उस गोल को तोड़ दो। यानी वो गोल बहुत बड़ा है, उसको ब्रेक डाउन करो, उसके सबसे पहले स्टेप पे आ जाओ कि उसको अचीव करने का सबसे पहला स्टेप क्या है। जैसे गाड़ी चलाना सीखना है, उसका सबसे पहला स्टेप क्या है? अगर घर में कोई नहीं है सिखाने वाला या सिखाने वाली, तो बाहर जा करके जो गाड़ी का ड्राइविंग स्कूल है उधर जा करके पैसे दे दो। अब फंस गए ना, तो फंसा दो अपने आप को। दिमाग ये लगाओ कि अपने आप को कैसे फंसाया जाए। जब हम फंस जाते हैं ना, तो फिर हमको वो काम करना ही पड़ता है। देन देयर इज नो लुकिंग बैक। जब तक आप सोच रहे हो तब तक सोच रहे हो, उसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, कि आप सोचते चले जा रहे हो अपने माइंड में, मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, और प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है, वो चीज टलती चली जा रही है। तो उसको छोटे से छोटे लेवल पे ब्रेक डाउन करके उसको कर दो, दैट इज नंबर 1। और जैसे ही करना शुरू करते हो, कोशिश करो कि उसको जब तक कि आप सही से नहीं कर लेते हो, उसको छोड़ना नहीं है, तो आपकी लेजीनेस भी खत्म हो जाएगी। कई लोगों को तो हमने देखा जो सप्ताह में कुछ भी नहीं करता, वो भी संडे को आराम कर रहा है। वैसे कहा भी जाता है कि अगर कोई काम आपको करवाना है ना, तो
तो ऐसे किसी इंसान को दो जो बिजी है, हाँ। ऐसे आदमी को मत दो जो खाली है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी को भी आप देखिएगा जिसको आप कहते हैं कि मतलब थोड़ा ठीक ठाक आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत आगे निकल, वो एक काम को खत्म करने के बाद कभी आराम नहीं करेगा। एक काम खत्म हुआ उसको लगेगा यहाँ एक खत्म हो गया अब दूसरा करना चाहिए, और वही जिसको देखिएगा एक खत्म हो गया और आराम करना चाहिए, कभी नहीं लाइफ में आखिरी सांस तक। सर यहाँ पे सब हिंदी में पूछते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं, भोजपुरी में पूछो, जोन भाषा ठीक लगे तोने में पूछ दो। सर ये पूछे के चाहते नहीं कि जिसे हमने क्या पढ़ाई करी नहीं सर, तो कभी कभी डेली टारगेट्स जो होला वो कम्प्लीट ना होला, अगर टारगेट्स कम्प्लीट भी होला तो फिर ऐसा इरिटेशन या फिर वो एनजाइटी या फिर कि और करना है या फिर अभी नहीं हुआ वो चीज़ हमेशा रहला, तो वो कम कैसे करल जाए। देखिए टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर ले। कोई लड़का 8 घंटा पढ़ रहा है, ये कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया, उसको देख के 8 घंटा पढ़ेगा तो पढ़ाइए छोड़ देगा। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक घंटे को बना लिया कि हम 1 घंटा पढ़ सकते हैं, अगले 1 हफ्ते तक उसको सस्टेन रखिए। जिम में कैसे करते हैं लोग, पहले दिन उठा लीजिएगा 1 क्विंटल तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए। हर इंसान की क्षमता अलग है, कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा पैर तोड़ के बैठ जाएगा। अब संदीप सर का मोटिवेशन देख के इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएंगे, ढकेल देंगे तुमको। हालांकि ऐसा कर देते हैं लेकिन ऐसा करिएगा लोग नहीं, क्षमता पता होना चाहिए। आपके अंदर एंजाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है, आप ये नहीं कह रहे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर मेरे को एंजाइटी हो रही है, आप ये कह रहे हो मैंने काफी कुछ कर लिया है फिर भी एंजाइटी हो रही है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर आपके अंदर एंजाइटी हो रही है दैट मीन्स यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं उनको पढ़ने के नाम से एंजाइटी होती है। तो आपको एंजाइटी हो रही है कि मैंने पढ़ लिया, दिन में मानो 8 घंटे का आपने टारगेट सेट किया और 6 घंटे पढ़ लिया, या मान लो 8 घंटे भी पढ़ लिया फिर भी एंजाइटी हो रही है कि मैंने 10 घंटे नहीं पढ़ा। तो ये तो अच्छी क्वालिटी है ना, ये तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की क्वालिटी है, क्योंकि एंजाइटी उसी को होती है जो केयर करता है, जिसको परवाह है उसी की तो एंजाइटी होती है। जैसे माँ को अपने बच्चे की, जैसे एक माँ को अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है। हंस लो हंस लो, मजाक उड़ा लो मेरा। कोई बात नहीं, एडिट कर देंगे इसको हम। जैसे एक माँ है उसको अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है, थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए उसको एंजाइटी होती है, चाहे बच्चा ठीक भी है, डॉक्टर को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि माँ को उस बच्चे से प्यार है। तो दैट मीन्स कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो, इस वजह से आपके अंदर एंजाइटी हो रही है, विच इज नॉर्मल। जहां पर प्यार मोहब्बत होती है वहां पर थोड़ी बहुत एंजाइटी तो होती ही है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप लोग समझ रहे हो ना मैं कहां जा रहा हूं? जब वो किसी और से बात करती है तो एंजाइटी होती है ना। सर आपकी स्टोरी हमने सुनी थी, तो एक टाइम आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गए थे, उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उस समय मतलब आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि अब आगे नहीं, यहाँ से वापस जाना है? रास्ता ही नहीं था, घर जाने के लिए एटलीस्ट 90 रुपये चाहिए थे, जेब में 40 रुपये थे, कैसे घर जाते हैं? और हम गंगा के किनारे चुपचाप बैठे बैठे हम कहें कि अब बहुत टेंशन हो गया, अब घर जाना चाहिए, रूम पे तो किराए के रूम पे ही आदमी सारे लोग रहते हैं, गए वहाँ पे तो रूम लॉक हो गया था, तुम खटखटाएं तो ऊपर से गुस्सा से बोले जो ऑनर थे, क्या टाइम हो गया है? तुम कहीं 9-10 बज रहा होगा, घड़ी देखिए तो 2 बज रहा था रात का, 2:30 बज गया था, वहाँ टेंशन में आप। तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जो बातें आपने बताई कि घर में प्रॉब्लम्स ये वो, ये तो बहुत लोगों ने फेस करी वहाँ पर, आप अकेले नहीं है, बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम्स फेस करी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखी, बहुत तरह की स्ट्रगल्स देखी, लेकिन वो सब इतने कामयाब नहीं हो पाए जितने कि आप हुए। तो आपके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ है जो औरों के अंदर नहीं है, तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो ऐसा क्या था जहाँ से कि आपका दिमाग यहाँ तक सोच पा रहा है कि मैं पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल का चेंज लेकर के आ सकता हूँ, एजुकेशन फील्ड में रेवोल्यूशन लेकर के आ सकता हूँ, ये सोचना ही बहुत लोगों के बस का नहीं है। मेरी एक खुद की थिंकिंग, अगर हमको कोई 100 रुपये किसी काम के लिए दिया, हम सबसे यही कहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उसे 200 का रिटर्न दे।
अगर कोई हमसे 200 रुपया फीस दे रहा है, 250 दे रहा है, तो हम उसको ये कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं भैया हमने 10-20 हज़ार का पढ़ लिया यहाँ पर। वो ईमानदारी से कभी कमी नहीं। और हमेशा अगर हम प्रॉमिस एक्स का करते हैं तो डिलीवर 4x करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इस फर्क को, अगर आप समझ पाए तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में। एक वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमें कुछ भी करना ना पड़े। दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की जिनको जितना मिलता है उसमें भी चोरी चकारी करते हैं या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को जितना कि हमें मिल रहा है। तीसरी कैटेगरी होती है लोगों की, जो इनके जैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने किसी से 1 रुपये भी लिया, देखा जाए तो 200-250 रुपये कुछ भी नहीं होता है, 200-250 रुपये अगर मैंने लिया तो कैसे उसको 400 रुपये की वैल्यू दूं। ये जो थिंकिंग है ना, यही एक फर्क होता है एक ऐसे इंसान में जो बहुत आगे निकल जाता है और उस इंसान में जो मीडियोकर रह जाता है। आप अपने आप को अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है सर, ये आपने अभी बनाया है या ये कोई पुराना आपका वो है? बनते रहता है, इसे फ्लो फ्लो में बन जाता है। आपके अंदर ना सर एक कवि छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, जो बाहर आना चाहता है। कभी ना कभी आपने सोचा होगा कुछ? हाँ, कभी कभी। देखिए, एक चीज़ है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये चीज़ को हमेशा, संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं। संगति का मतलब होता है संग संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी होता है। बट अपने आप को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम केवल जी के मर जाएं इसके लिए नहीं आए हैं। लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते अपना। हमारी एक ही सोच है कि जाने के बाद इस दुनिया से हमको मतलब एक चीज़ देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, कि वो याद करें कि इस पैसे की भाग दौड़ की दुनिया में हर कोई दोनों हाथ से लूटने में लगा है, खाली हाथ जाने के लिए ये सबको लगा है। तो हर कोई को ये सोचना चाहिए कि था कोई इंसान जो इतने कम फीस में इतनी शिक्षा जो महंगी थी, जो कमाने का रास्ता था, उसको भी एकदम कंपटीशन इतना कर दिया कि अब लोगों को अपनी फीस बढ़ाने में डर लगता है कि अरे यार, लड़का कमेंट करता है कि खान सर इतना ले रहे हैं आप, बहुत बड़ा टीचर हो गए। खान सर की एक क्लिप है, ये समय और समझदारी में बहुत फर्क होता है। अगर समय रहते समझदारी आ गई तो इंसान कामयाब हो गया, लेकिन अगर समय चला गया फिर समझदारी आई फिर तो बेकार है। तो सर मतलब कुछ आपको ऐसी चीज़ लाना चाहिए जो मतलब बच्चों जो तैयार हो रहे हैं उनको ये चीज़ें मतलब एंड टाइम पर दिखे। समझ रहे आप मेरी बात? नहीं समझ? यही होता है सर, सर का मोटिवेशन ज्यादा हो जाता है। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीज़ों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए इस पिजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत मजा आया मेरे को आपके साथ में इंटरेक्ट करके। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच जी। आज जो हमारे गेस्ट हैं यहां पर बैक स्टेज पर, उनकी जो एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल है। वो इंडिया के सबसे पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली सोनू शर्मा। प्लीज आइए। सबसे पहले तो गुस्सा है इन पे बहुत ज़्यादा। क्या गुस्ताखी हो गई सर? देखो ऐसा होता है कि आपके जो ऑडियंस है ना, वो आपको बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, आप वहाँ गए, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे। अरे मैंने कहा अच्छी बदमाशी नहीं जाते हम।
तो नाक में दम कर दिया लोगों ने आप की वजह से, आना ही पड़ा मतलब इतने मैसेज अब तो दो तीन दिन से तो धमकी वाले भी आ रहे हैं, जाओगे कि नहीं जाओगे। इस बहाने मिलना तो हो गया ना सर, इस बहाने मिलना हो गया। और मैं जानता हूं कि दो ढाई महीने से हम लोग प्रोसेस में थे कि आपके से मुलाकात होगा, लेकिन अच्छा लगा बच्चों की एनर्जी देखकर और आपसे मिलकर। वाकई में आप बताइए कौन है जो इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपका लाइफ का एक स्ट्रगलिंग फेज था तो उस टाइम पे आपको गिव अप करने का फीलिंग आया होगा, तो उस फीलिंग को हमें कैसे टैकल करना है या फिर आपने कैसे टैकल किया? देखो जब आपका वाई बहुत क्लियर होता है ना तो आप गिव अप कभी भी नहीं करते। कोई भी चीज क्यों करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर इज अ बुक बाय साइमन सिनेक कॉल्ड लर्न योर वाई, कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आपका वाई क्लियर है ना तो कोई भी ऑब्स्टेकल गिराने के बाद, आप गिरने के बाद, नीचे गिरने के बाद आप अपने आप उठ खड़े हो जाते हैं। तो वाई स्ट्रांग होना चाहिए, और वही लोग उठने ही खड़े होते हैं जिनका वाई स्ट्रांग नहीं है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको वुडन स्ट्रोक दूं, 2 फुट जिसका विड्थ हो और 30 फिट जिसका लेंथ हो, और आपको बोलूं मैं यहां से वहां आपको ट्रेवल करना है उसके ऊपर चल के, और मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, तो आप चल लेंगे बहुत आराम से। आप सवाल को ट्विस्ट करते हैं, अब उसी फट्टे को मैं 100 माले की 2 बिल्डिंग के बीच में लगा दूं, अब आप चलेंगे? लेकिन मैं अगर आपको अभी भी चलवा दूं तो आप अभी भी चलेंगे? अगर आपको पता हो कि दूसरी बिल्डिंग में आपकी बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लग गई है और मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, फिर भी आप चलेंगे? बिकॉज आपका वाई क्लियर है। जब जब आपका वाई क्लियर होता है ना तो कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी गिरावट आपको कभी रोक नहीं सकती। लेकिन जब वाई क्लियर नहीं होता तो छोटी से छोटी ऑब्स्टिकल भी आपको वापस ले जाती है जहां से आपने जर्नी स्टार्ट किया होता है। वाई इंपॉर्टेंट है। आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप कैसे बनना चाहते हो? जैसे एक होता है कि जरा सा भी कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो रोने लग गए, परेशान हो गए। एक ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो सकती है कि आने दो, जो आ रहा है आने दो, देख लेंगे, संभाल लेंगे। वो किसके अंदर हो सकता है? जिसने बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस किया है वही तो बोल सकता है ना आने दो। इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका, सच बता रहा हूं आप लोगों को। अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सक्सेस से कुछ नहीं होता है। सक्सेस जब मिल जाती है हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है, ईगो बढ़ जाती है। बट एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा करके, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। तो आप जितना अभी इस एज में फेलियर्स को देख लोगे, फेलियर्स से डरोगे नहीं, उतना ही आने वाले 10 साल बाद स्ट्रांग हो जाओगे। विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू एवरीबडी, आप देखेंगे कि जो सड़क किनारे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं ना, यू नो, तंबू वंबू लगा के कुछ सामान बेच रहे हैं टाइप्स, वहां देखना उनके बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत शानदार होता है। वो सर्दी में, जनवरी की सर्दी के अंदर वो नंगा ही खेल रहा होगा सर, और हमारा पेम्पर्ड बच्चा ब्लैंकेट के अंदर उसको जुकाम हो जाता है जरा सा हवा लग जाए ठंडा। तो जो ठोकरे हैं ना वो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना देते हैं। सफलता, सही कह रहे हैं संदीप जी, कि दिमाग खराब करती है। तो ये जो 5-6 साल हैं फ्रॉम 14 to 20 or 22, यहाँ तो आदमी की रगड़म पट्टी होनी चाहिए दबा के, मतलब उसके तो खून के आंसू आ जाने चाहिए कि जिंदगी में भगवान ने मुझे क्या दिया है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मैच्योर लोग रहते हैं जिनको लगता है कि यार एक कुदरत टेस्ट ले रही है यार हमारा, वो तो खुद ही बोलता है अगर 2-4 साल कुछ ना हो ना, ऊपर देख के बोलता है कुछ कर नहीं रहे क्या, मुझसे भरोसा उठ गया है क्या। हाँ सही बात है, भेजो कुछ चैलेंज, मैं तैयार हूँ कुछ बड़ा। मजा ही नहीं आता उसके बिना मजा ही नहीं आता। लोग वो है कि हम गाड़ी चलाते हैं ना 4-5 साल स्मूथ चलने लग जाए गाड़ी रोड पे, तो हम गाड़ी रोक के खुद ही खड्डा खोदते हैं सड़क पे, साला इतनी स्मूथ क्यों चल रही है, कोई ना कोई चैलेंज चाहिए यार, मजा नहीं आ रहा यार गाड़ी चलाते हुए। चैलेंजेस आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करती हैं, और मेरे हिसाब से 14 और 20 साल का जो एज है इसमें तो खूब पिटाई होनी चाहिए आदमी की, खूब रगड़ा पट्टी होनी चाहिए ताकि उसका इम्यूनिटी एक बार अच्छी हो जाए, बाकी का उसका जो 60-70 साल का जिंदगी है ना वो लोहा हो जाता है। आपको खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है, दुनिया तो नहीं करेगी ये तय है, दुनिया तो चड्डे में बम लगाएगी आपके। हाँ तकलीफ ये नहीं है कि चड्डे में बम लगाएगी, तकलीफ ये है कि रिमोट भी अपने हाथ में रखेगी।
जब मन करे, जब मन करेगी बस सही बात है, भरोसा नहीं करेगी तय है, लेकिन अगर आपने भी भरोसा नहीं किया अपने ऊपर तो मुझे लगता नहीं है कि वो ऊपर जाएंगे तो वो खुश होगा, वो कहेगा मैंने क्या बना के भेजा था यार, तुमने साला खुद पे ट्रस्ट नहीं किया है। मेरा ये मानना है कि आदमी पहाड़ की चोटी से गिर जाए ना वापस खड़ा हो जाता है, ऊंट से गिर के भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी नजर में गिर जाए ना फिर आदमी खड़ा नहीं होता कभी, हमार को अपनी नजर में खड़ा होना। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये जो आप अपने वीडियोस में बार बार साला साला बोलते हो, तो आपका साला एक्चुअल में है या नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल है, हष्ट पुष्ट है, कहते ना सारी खुदाई एक तरफ, एक्चुअली मैं उसको याद करता हूँ, लोग कुछ और कोई भी क्या आजकल का जो दौर है ना, जो मुझे कई बार लोग बोलते हैं आप साला मत बोला करिए, लेकिन साला बोलने से जो वजन बढ़ता है ना बात में, वो कुछ और शब्द उसको उसको भरपाई नहीं कर पाता वो उसकी भरपाई नहीं हो पाती, और कभी कभी जैसा लोग मुझे बोलते हैं मत यूज करो, ये वो आदमी है जो नेटफ्लिक्स देख रहा है और न जाने क्या क्या देख रहा है और क्या क्या सुन रहा है, लेकिन उसको मेरे से पंगा है थोड़ा सा, हर आदमी रहता है ना कि इस देश में हर आदमी से खुश हो सकता है क्या? इफ एवरीबडी लाइक्स यू, यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम, है ना? अगर दुनिया में सब आपको पसंद करते हैं तो आप में कोई प्रॉब्लम है, फिर आपने कोई समझौते ही किए हैं जीवन के अंदर। तो मैं वो जानबूझ के बोलता हूँ क्योंकि उसका जो वजन है ना यार, मैं और बोलना चाहता हूँ और भी कुछ लेकिन रोक लेते हो सर। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे लाइफ में सबके लिए सब कुछ क्लियर होती है, नॉलेज सबके पास है, क्लियर कट सब हैं सब रास्ते के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ चीज़ें उनको रोकती है, पता है उसको भी वो क्या रोकती हैं क्या नहीं रोकती हैं, फिर भी वो चाह के वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाता उन चीज़ों को लेके, एक नेगेटिविटी उसको रोकती है और उसकी सराउंडिंग उसको रोकती है, मैटर करता है उसको सब पता है करना क्या है फिर भी वो रुकता है, सर इसके लिए कोई ऐसा आंसर दो आज तक किसी ने दिया ना और क्लियर कट हो। भगवान कृष्ण पांडवों के तरफ से गए 5 गांव मांगने हस्तिनापुर, शांति प्रस्ताव लेके गए कि 5 गांव आप पांडवों को दे दो, बड़े संतोषी हैं वो, लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे और पूरी महाभारत टल जाएगी, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो दुर्योधन ने बोला कि सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण दुर्योधन से बोलते हैं ये धर्म है? उसने बोला मैं जानता हूं धर्म है। उसने बोला करता क्यों है? बोला पता नहीं ऐसी कौन शक्ति है जो मुझसे करवाती है, ऐसा होता ही नहीं है कि गलत करने वाले को, अरे मुझे तो पता ही नहीं था चोरी करना पाप है, नहीं तो मैं करता ही नहीं यार, पता होता है। वो कहता पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझसे गलत कराने को मजबूर करती है और मैं करता जाता हूं। कुत्ता रहता है ना, जो कुत्ता, उससे परफेक्ट एग्जांपल नहीं है। कुत्ता अगर रोटी चुरा के कहीं से भागेगा ना, आप ध्यान दीजिए गौर करिए, कहीं से चुरा के भागे तो वो 3 गली दूर जाएगा, चोरी से खाएगा कि कोई देख तो नहीं रहा, चुरा के लाया है। और अगर कोई मालिक उसको अगर परोसता है, ध्यान से देखना, वो पहले पूंछ उठाएगा, 2 हाथ ऊपर के करेगा, थैंक्स बोलेगा, शुक्रिया अदा करेगा, और जहां परोसी होगी वहीं बैठ के खाएगा। कुत्ते को भी पता है ये ईमानदारी की रोटी है, और उस कुत्ते को भी पता है कि साला बेईमानी की रोटी है, वो 3 गली दूर जाके खाता है। कुत्ते को भी पता होता है क्या सही है क्या गलत है, तो इंसानों को कैसे नहीं पता हो सकता है? सबको पता होता है कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है, बहुत बढ़िया, फिर भी लोग करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, एवरीबॉडी नोज ना। अब वो 40 साल तक साला चेन स्मोकिंग कर रहा है और उसके फेफड़े खराब हो गए, डॉक्टर ने बोला भाई तेरी वारंटी खत्म है, तू विलशील लिख ले, तू जाने की तैयारी कर ले। और ये डॉक्टर साहब को अगर इनोसेंटली बोल रहे, डॉक्टर साहब मुझे पता होता भगवान कसम मैं पीता ही नहीं, बोल सकता है ऐसे? नो, उसको पता था। पता होने से कुछ नहीं होता। मैं अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। आपको सब पता है, सुबह सैर करने से सेहत अच्छी रहती है, हर किसी को पता होता है, गरीब भी कर सकता है अमीर भी कर सकता है, चप्पल है तो भी कर सकता है, नाइकी का जूता वाला भी कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं करता ना। पता होने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इनकी बात में, अब इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बार आपको सिगरेट की लत लग गई, तब अगर आप एक क्वेश्चन पूछोगे तो आपके लिए सिगरेट को छोड़ना, अगर मानो आपको 10 साल हो गए सिगरेट पीते हुए, अब एकदम से सिगरेट को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। मैं बोलता हूँ आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकली आपकी जो ब्रेन है वो मांगेगी उस चीज को। अब सिर्फ साइकोलॉजिकली आप क्रेव नहीं कर रहे सिगरेट के लिए, बायोलॉजिकली भी वो क्रेविंग उठेगी अंदर से, जैसे भूख लगती है प्यास लगती है वैसे ही निकोटिन मांगेगी आपकी जो ब्रेन है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जब भी कोई गलत काम करने की शुरुआत कर रहे हो, आपको पता है कि वो सही है गलत है, तभी आपने क्वेश्चन पूछा, आपको पता है कि मैं यहां पर गड़बड़ कर रहा हूं, अब वो गड़बड़ क्या हो सकती है? टाइम खराब कर रहा हूं। एक बार आदत पड़ गई टाइम खराब करने की, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना।
बहुत लेकिन अगर शुरुआत हो रही है टाइम खराब करने वही रोक लिया वही रोक लिया पहली सिगरेट पे आप रुक गए तो बच जाओगे। मैं आपको संदीप जी को ऐड करता हूं, ये बिल्कुल फैंटास्टिक बात बोली इन्होंने, बहुत जबरदस्त बात बोली। एक गुरु और एक चेला कहीं से ट्रेवल कर रहे थे, राइट, कोई जंगल टाइप जगह थी, तो गुरु ने बोला इसको उखाड़ दो। क्या उखाड़ दो? वो छोटा सा पौधा सा लगा था, इतना सा उंगली जितना बाहर आया था। तो बच्चे ने बोला कौन सी बात है, खट से उखाड़ दिया। हाँ। थोड़ा सा और आगे गए तो 2-2.5 फुट का एक छोटा सा पेड़ था, गुरु ने बोला इसको उखाड़ दे। उसने थोड़ा सा जोर लगाया, वो भी उखाड़ दिया। फिर 4-5 फुट लंबा पेड़ था, गुरु ने बोला अब इसको उखाड़ दे। थोड़ी सी उसको मेहनत लग रही लेकिन उसने फाइनली उसको भी रिमूव कर दिया। अब एक बरगद का पेड़ था करीब करीब 20 फीट ऊंचा, गुरु ने बोला अब इसको उखाड़। बोला महाराज कैसी बातें करते हुए कैसे उखड़ेगा? बोला यही सिखाना चाह रहा था कि एक बार जड़ें गहरी हो जाए ना तो उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम पढ़ते हैं, आजकल ये हो रहा है कि हम मैक्सिमम हमारा फोकस ये होता है कि हम पढ़ेंगे और ये चीज मतलब जॉब करेंगे, लेकिन ये होता है कि जब वो नहीं होता हमारे से तो हमें मतलब हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए कि हाँ अब इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है, मे बी वो ना हो कुछ बड़ा, मतलब अपनी थिंकिंग को कैसे बढ़ाएं, वॉस करें। देखो ये जो सोच है ना कि मुझे पढ़ना है और फिर मुझे जॉब चाहिए, ये सोच ही गलत है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे स्टैंड पॉइंट से सोच पता है क्या होनी चाहिए, इतना तगड़ा इंस्ट्रूमेंट हमको मिला हुआ है, ये जो ह्यूमन बॉडी है इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो, कितना कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, क्या ब्रेन है हमारे पास में, क्या थिंकिंग पावर है, क्या एबिलिटीज है। इसको हम यूज कर रहे हैं किस लिए? सर्वाइव होने के लिए। सर्वाइव तो जानवर भी कर जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो नॉलेज को यूज करो, यानी एजुकेशन को यूज करो कुछ क्रिएट करने के लिए, माइंडसेट को चेंज करो। अभी क्या एज है, 20 साल 22 साल? अभी सोचो कि मैं अपनी पूरी लाइफ को क्रिएट करने वाली हूं, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, अभी पूरी लाइफ पड़ी है, उसको कैसे क्रिएट करना चाहते हो आप, कैसी लाइफ चाहते हो आप, उसको क्रिएट करो और उस नॉलेज को, उस एजुकेशन को यूज करो उसको क्रिएट करने के लिए। अगर एजुकेशन सिस्टम से वो नॉलेज नहीं मिल रही है तो बाहर से ले लो, इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं इसको, इंटरनेट पे भरी पड़ी है नॉलेज, नॉलेज की कहां कमी है। और अपने दिमाग को खोलो, सिर्फ ये लाइफ नहीं है कि मैंने यहां से ये पढ़ाई करी उसके बाद में मुझे जॉब लग गई तो मैं सक्सेस हूं, जॉब नहीं लगी तो मैं फेलियर हूं। अरे नहीं, वो समय गया, आज अनलिमिटेड ऑप्शंस है। फिर भी अगर हम ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा दिमाग खुला नहीं है, दिमाग बंद है। बोलते हैं ना, माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट कांट वर्क अनलेस इट्स ओपन। तो दिमाग को खोलो, देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। जॉब इज नॉट द ओनली वे टू मेक मनी, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू मेक मनी। यू मस्ट हैव दैट कैपेबिलिटी टू क्रिएट समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर द सोसाइटी, फॉर द वर्ल्ड। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो दुनिया तैयार है आपको पैसा देने के लिए। आप इसको ऐसे देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपकी लाइफ में मानो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या सर्विस से सॉल्व हो जाती है, आप पैसे दोगे या नहीं दोगे? देंगे। दोगे ना, तो और लोग भी तो आपको देंगे, इसी को तो बिजनेस बोलते हैं। मेरा एक वीडियो है, अगर टाइम मिले तो देखना, कि इस दुनिया में जंगल का शेर बनना सर्कस का नहीं। शेर तो सर्कस में भी रहता है ना, अब वो जो चाबुक वाला ना उसको नचाता है, आग में से भी कूदने को बोलता है तो बेचारा कूद जाता है। उसको सिर्फ सहूलियत ये होती है कि उसको टाइम पे खाना मिल जाता है बस। लेकिन जो जंगल का शेर है उसको कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, उसको रोज हॉन्ट करना पड़ता है। एवरी डे व्हेन द सन राइजेस उसको भागना पड़ता है शिकार के लिए, नहीं तो वो शाम का अपना सूर्यास्त नहीं देख सकता, मर जाएगा। डेली भागना है, डेली दौड़ है, डेली लड़ाई है, डेली जंग है उसकी। लेकिन सर्कस के साथ कोई जंग है ऐसी नहीं, उसको धूप की तकलीफ नहीं है, धूप उसको पड़ेगी नहीं, बारिश उस पर आएगी नहीं, सेफ सिक्योर है, मस्त रह रहा है, उसकी टेक केयर हो रही है। लेकिन साला कोई जिंदगी है? बच्चे भी पूंछ पे हाथ लगा के चले जाते हैं जब पूंछ बाहर घूम रही होती है। अब यही पिंजरा हटा दो, अब बच्चे को बोल हाथ लगाइयो, है ना। तो जिंदगी में बनना तो जंगल का शेर बनना, चैलेंजेस होने चाहिए। आराम से 2 टाइम का खाना मिल जाएगा वो तो सर्कस वाली कहानी है, मुझे सूट नहीं करती। जंगल में रहे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन शान से जिएंगे। 100 साल की नालायक जिंदगी से 30 साल की साले शानदार जिंदगी ज्यादा अच्छी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं उनके साथ कुछ प्रैंक करने का सोच रहा हूँ, आप लोगों को मेरा साथ देना है, दोगे? यस सर। यस या नो? यस सर। आप लोग जो उनकी टीम के हो आपको भी साथ देना है, ठीक है?
तो अब हम क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूँ, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो जैसे यहाँ आएंगे उनको माइक लगेगा, वो यहाँ आकर के खड़े हो जाएंगे, मैं उनको दिख रहा हूँ, तो उन्हें लगेगा कि जैसे हर वीडियो में होता है मैं यहाँ पे आकर के बोलूंगा प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली मिस्टर इंडियन एगर वॉट एवर, जो भी मैं बोलूंगा, ठीक है, हाँ जो भी रटा हुआ है वो बोलता हूँ मैं, तो वो मैं बोलूंगा और वो एकदम से आएंगे, लेकिन जैसे वो आएंगे मैं स्टेज पर नहीं हूँ, मैं उधर हूँ, मैं उधर से उधर पीछे निकल जाऊंगा। आप लोगों को क्या करना है, कुछ बोलना नहीं है, बस तालियां बजाते रहना है, सीटियां बजाते रहना है और मेरी तरफ देखना है, मतलब ऐसे जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, वो यहाँ पर है, बस मैं उनको नहीं दिख रहा हूँ, बाकी सबको दिख रहा हूँ। वो बहुत भूत की वीडियोस बनाते हैं ना, आज उनको भूत दिखाते हैं। सब रेडी हैं? कहाँ पर है, मुझे दिख नहीं रहे हैं, कहाँ है, एक बार उनको यहाँ पे लाओ ना, हाँ रेडी है, ठीक है। उनके बारे में पहले आपको बताता हूँ कि गेस्ट कौन है, आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो कौन है। उनके 27 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 450 करोड़ व्यूज़ हैं उनके चैनल के ऊपर, और वो बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, और उनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली इंडियन हैकर। अरे सर कहाँ गए? मैं आपको दिख नहीं रहा था यहाँ पर, यही तो था मैं, बाकी सबको दिख रहा था नहीं दिख रहा था? Yes or no? तो सबसे पहले आप सब लोगों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सपने देखने चाहिए क्योंकि देखने से पूरे होते हैं। आज मेरा हुआ है यहाँ पर, थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, मोस्ट वेलकम। और मैं जनरली हमारी जो ऑडियंस है उन्हें टाइटेनियम आर्मी को कह के बुलाता हूँ। टाइटेनियम मतलब जोश, और जोश भाई साहब आप नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है, सही right. सही में सर, हाँ, हाँ. मतलब वास्तव में टाइटेनियम आर्मी, मजा आया बहुत सर, अभी आओ जी बैठिए, प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। आपको पता लगा है कि अभी अभी आपके साथ में एक प्रैंक हुआ है? नहीं अभी तो नहीं, हाँ लगा ना। अच्छा वो प्रैंक था, वो प्रैंक मैंने सोचा मैंने सही में नहीं देखा आपको यहाँ पे। क्योंकि आप घोस्ट से रिलेटेड वीडियोस बहुत बनाते हो ना, भूत प्रेत से रिलेटेड, तो मैंने कहा आज आपको भूत दिखाते हैं लाइव यहाँ पर, क्योंकि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं नॉर्मली यहाँ पे होता हूँ। हाँ वही चीज, वही चीज, मैंने कहा भैया कहाँ गए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आना यही था या कहीं और जाना था? तो सर एक चीज मैं पर्सनली आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज बोलिए, कि आपने आज तक न जाने कितने लोगों की लाइफ बना दी है, आपको भी नहीं पता, उनमें से एक मैं भी हूँ, तो थैंक यू सो मच सर। आज तक जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, जो भी कुछ किया है, उसमें से कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगता है कि हाँ यार ये बड़ा खतरनाक एक पॉइंट आ गया था? चलिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, प्लीज बताइए ना। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो ट्वेल्थ के अंदर टीचर्स वगैरह बोलती थी, बोले ये होता है, ये रिएक्शंस होती है, ऐसे सारी चीजें काम करती है, बोले कि सोडियम को पानी में नहीं डालना चाहिए, व्हाइट फॉस्फोरस को पानी से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मेरे समझ नहीं आता था, मैं गया एक दिन लैब के अंदर, सोडियम निकाला, पानी में नहीं डालना, डाल दिया पानी, और बूम, मैंने कहा यार मजा आ गया। अच्छा। मैंने कहा व्हाइट फॉस्फोरस को बाहर नहीं निकालना चाहिए, बाहर निकाला, आग लग गई लैब में, मैंने कहा मजा तो आ गया लेकिन सजा भी है। तो ऐसे ही क्या मुझे हाथ लग गई लिक्विड नाइट्रोजन अपने काम पे, जहाँ पे मैं काम करता था, तो वहां पे मुझे लिक्विड नाइट्रोजन मिल गई गलती से, बोले इसको ग्राउंड पे नहीं फैलाना चाहिए, फैला दी बादल बन गए। अच्छा। उसमें तो मजा आ गया, लेकिन फिर एक और था कि इसको पानी के अंदर मिक्स नहीं करना चाहिए, एकदम से इवेपोरेट होती है। मैंने बोतल ली, थोड़ा सा पानी खाली किया, उसमें डाल दी लिक्विड नाइट्रोजन, जैसे ही बोतल को फ्लिप की, बोतल रॉकेट, मजा आ गया, लेकिन एक्साइटमेंट भी बढ़ गई, इस बार मैंने थोड़ी सी लिक्विड नाइट्रोजन ज्यादा डाल दी, और जैसे ही फ्लिप किया वो हाथ में फट गई। फिर मेरे को समझ में आया, नहीं यार सेफ्टी भी जरूरी है, हाँ। थोड़ा चीजों के बारे में पहले पढ़ लेना चाहिए फिर करनी चाहिए। अब हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, पहले हम रिसर्च करते हैं क्या क्या रिस्क हो सकती है, और फिर वो रिस्क हम दे देते हैं कैमरों को, वहां पे सिर्फ कैमरा हम लगा देते हैं, दूर से उन्हें ऑन कर देते हैं, से बाहर तो रिस्क है भी, तो मैक्सिमम कैमरे के लेवल में। और आई थिंक ये इंडिया के सबसे बड़े चैनल है, ये जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कह लो या फिर पंगे कह लो, हिंदी में अगर कहना हो तो पंगे लेते रहते हो आप तरह तरह के, तो आई थिंक सबसे बड़ा इनका ये चैनल है। 27 मिलियन आपके सब्सक्राइबर्स है, और बहुत जल्दी 30 मिलियन हिट होने वाले हैं। मैं तो सोच रहा हूँ 50 कर देते हैं सर, कर दो, लेट्स गेट बिग हैंड फॉर हिम। आप में से काफी लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन मैं ट्रूली स्पीकिंग
आप में से अगर कोई आगे आके यहाँ पे बैठेगा, वो जैसा फील करेगा, वो जितना नर्वस फील करेगा या फिर वो सोचेगा मैं क्या बोलूंगा क्या होगा, तो सेम मैं भी वैसा ही फील कर रहा हूँ। सही बता रहा हूँ, मैं आपके साथ एक दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। मैं आपसे ज़्यादा बड़ा नहीं, हो सकता है कि मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हैं, मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, अलग अलग चीज़ों के अंदर हो सकता है। तो बस ये दिल की बात थी। बेसिकली क्या है कि जैसे मैं भी पहली बार स्टेज पे गया था, आई एम नॉट श्योर आपने स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने पहले कुछ किया, पहली बार कर रहे हो ना, तो जब आप जो कर रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरे से तो बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, जब मैं पहली बार गया था, नहीं सर, गुरु गुरु होता है सर, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा, जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था वो मेरे अनस्टॉपेबल वाले सेशन में आप लोगों ने देखा भी होगा, कितने लोगों ने देखा है हाथ ऊपर करो, हाँ बहुत लोगों ने देखा है। मैं स्टेज पे गया था, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था, अच्छा मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया था, मैंने कहा क्या बोलूं, मतलब बार बार मैं बोल रहा हूँ नाउ आई विल स्पीक इन हिंदी, ये बात भी इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो फिर यू नो व्हाट, बार बार समझ रहे हो कि एक तरफ से इंग्लिश माइंड में घूम रही है, एक तरफ से हिंदी घूम रही है, फिर मैं फ्रीज हो गया था दो मिनट के लिए, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, स्टेज पे खड़ा हूँ, सामने इतने सारे लोग खड़े हैं, फिर उनमें से किसी ने बोला कम ऑन सर यू कैन डू इट, मैंने कहा हाँ करेंगे करेंगे। तो आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और एंड में अगर आप चाहो तो एक व्लॉग भी बना सकते हैं यहाँ पर स्टेज पर, है ना, मजा आएगा, ऑडियंस का पूरा एक्साइटमेंट आप सब देखोगे इनके व्लॉग में, राइट सर। मुझे बहुत कमेंट आते थे इस चीज के लिए, अच्छा यहाँ पे आने के लिए, ज्यादा बहुत ज्यादा सर, अच्छा हाँ जी सर, तभी आपने हाँ बोला यहाँ पर, नहीं नहीं मतलब मैंने तब मैंने सोचा इसको शूट तो करना ही है, मौका मिला है तो डेफिनेटली करेंगे, अरे एक बार से परमिशन लेंगे अपने ऑडियंस के साथ में, इस चीज को शेयर जरूर करेंगे, पूरा डन डन डन, जैसे ये सेशन खत्म होगा ना एंड के 5 मिनट रह जाएंगे मुझे बता देना अजय, हम फटाफट से इनका एक ब्लॉग शूट करेंगे, उस ब्लॉग में मैं भी आपके ऑडियंस को बोल दूंगा क्या बोलते हैं, टाइटेनियम आर्मी जिंदाबाद व्हाटएवर ऐसा कुछ करेंगे। मजा आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है ना, मैं क्या कह रहा हूँ सर, ये पहली बार है और सच में अभी मुझे वो जो डर वर था सब आपके साथ में आने के बाद खत्म हो गया, अभी मुझे इतना डर नहीं लगा। हाँ बिल्कुल, खुल के करो जो करना है। जी सर, क्या है कि आप ये समझ लो कि अगर कुछ मुंह से उल्टा पुल्टा निकल भी जाए ना, जैसे मुंह से बोलते बोलते होता है कई बार गाली निकल जाती है, तो वो हमारी एडिटिंग टीम में संभाल लेगी। सही बात है, कोई टेंशन नहीं, आप गालियां दो, आप यहाँ पे मारो लोगों को, पीटो, जो मर्जी करो, वो सब एडिट हो जाएगा, है ना, फोड़ दो जाकर के किसी का, अगर कोई क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहा तो उसका माइक लेके उसी के सर पे मार दो, इस सब तो, हम एडिट कर देंगे। फिर तो मुझे लिक्विड नाइट्रोजन लानी चाहिए। तो आप लोगों के मन में मुझे पता है बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं आप हाथ ऊपर करेंगे, और फिर उसके बाद में आपको कहेंगे पूछने के लिए आप पूछेंगे, उसके बाद में हम एक वोटिंग करेंगे, वोटिंग में अगर सब चाहते होंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए तो सब लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू संदीप सर, आई स्टिल कांट बिलीव कि आप मेरे सामने हो। सर दिलराज सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। हाँ जी। जैसे जैसे क्रेजी एक्स वाई जेड है, एक्सपेरिमेंट टीवी है, वो भी इस फील्ड में आने लगे हैं, तो आप उन्हें एज अ कॉम्पिटिटर कैसे देखते हो सर? रेस में अकेले भागने मजा नहीं आता, आप अगर भागोगे अकेले भागो, कोई तालियां भी नहीं बजाएगा कि यार कि ये जीता है, बोले किसके साथ जीता है ही नहीं कोई, कंपटीशन तो बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन होता है ना तभी आप नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए वो होते हो, अगर कंपटीशन नहीं है ना तो आप जितना है उतने में खुश रहने कोशिश करो, बोले हाँ यार चल रहा है, सब्सक्राइबर है, कोई है ही नहीं, मेरे ही हैं सब्सक्राइबर, अभी कंपटीशन है तो वो एक हेल्दी कंपटीशन है, उसे उल्टा अच्छे वे में मैं लेता हूँ कि यार वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। देखिए रेस में आगे निकलने के दो तरीके होते हैं, अपने साथ वाले के लंगड़ी फंसा दो वो गिर गया आप जीत गए, या फिर उससे तेज़ भागो, तो मैं तेज़ भागने में बिलीव करता हूँ, कॉम्पिटिशन की कोई परवाह, उनसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, वो भी अच्छा कर रहे हैं, दिल से सभी को मैं सपोर्ट करता हूँ, सबसे मेरी बात होती है, और मैं जितना उनको बता सकता हूँ, जितना उनको सिखा सकता हूँ, वो मुझसे काफ़ी चीज़ें पूछते हैं, मैं उनको दिल खोल के बताता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और मैं छोटा नहीं होता। कोलैबोरेशन इज बेटर देन कॉम्पिटिशन एनी डे एज फार एज यूट्यूब इज कंसर्न्ड, अलग अलग फील्ड के अलग अलग रूल्स होते हैं, बट इस फील्ड में तो जितना आप कोलैबोरेट करोगे उतना तेजी से आगे बढ़ोगे, उतना तेजी से ग्रो करोगे। जैसे सौरभ भाई का व्लॉगिंग का चैनल है, यस सर, हमारा अलग है, लेकिन जब हम उनसे मिले तो उनकी ऑडियंस ने हमें देखा और हमारी ऑडियंस ने भी उन्हें देखा, वो सब एक हो गए, तो उनके जैसे क्रेजी एक्स वाई जी भाई से हम मिले, अमित भाई से, तो कुछ हेटर्स जो थे वो जो हमें पसंद करते थे या फिर उन्हें पसंद करते थे, हमें हेट करते थे, वो सब इक्वल हो गए, बोले यार ये तो भाई हैं, तो ऑल ओवर फायदा हम दोनों को हुआ। अच्छा आप अपनी अर्निंग के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है सबका? अर्निंग तो बहुत है लेकिन हम है ना अर्निंग का आधे से ज़्यादा हिस्सा अपनी वीडियोस में उड़ा देते हैं क्योंकि वो एक फन पार्ट है, हमें भी उस चीज़ में मज़ा आता है। हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है क्योंकि ट्रैवल जब अपन करते हैं तो इतना खर्चा नहीं आता, लेकिन जब आप चीज़ें तोड़ते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई कार है उसके साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसे खुद से उसको चलाना है, तो अगर वो मान लीजिए कि कैमरा लगा दिया अपन ने, रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए, तो वो कार यूं ही गई, साथ ही साथ अगर वो सही से काम नहीं किया तो भी वो पैसा यूं ही गया,
तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि अगर हम 1 लाख खर्च करते हैं तो कोशिश करते हैं उससे 1.5 लाख तो हम अर्न कर ही ले। और ये यूट्यूब सर आपको तो बताइए, बाकी ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। अगर आप डेली काम कर रहे हैं, आपकी वीडियोज़ पे व्यूज़ आ रहे हैं तो अर्निंग वैसी होगी, अगर नहीं आ रहे हैं तो अर्निंग भी ड्रॉप हो जाती है। आप कितनी वीडियोज़ अपलोड करते हो एक हफ्ते में? अभी तो सर कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से हम नहीं कर पा रहे, वरना हमारा टारगेट रहता है कि हम बीच बीच में डेली की 2 वीडियोज़ अपलोड करते थे। डेली की 2 वीडियो? जी सर, ये तो बहुत ज्यादा होती है। मतलब जी सर, मुझे भी बताया। और इस आपको दिन में आई थिंक 12-12 घंटे काम करना पड़ता होगा। हाँ जी सर, उसके लिए तो है ना, क्योंकि 2 वीडियो आसान नहीं होता है। मतलब मैं बोलता हूँ आसान है, लेकिन आसान होता नहीं। और हर 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 वीडियो का जो टॉपिक है वो पिछली वीडियो से अलग होगा, राइट? और रिपीट नहीं कर सकते, हर बार कुछ अलग अलग करो, और करने में भी टाइम लगता है। आपको तो लगता है 5-10 मिनट की वीडियो, बट उसके पीछे फुटेज होती है 1.5-1 घंटे की, 2 घंटे की, फिर वो एडिट होकर 8-8 घंटे की फुटेज होती है, और उसमें टाइम लैप्स लगाते हो आप बहुत बार। और आपने मैंने देखा ड्रोन शॉट्स भी आ रहे हैं, तो आप पैसा तो खूब अच्छे से लगा रहे हो। ऑन एन एवरेज आप कितना खर्चा कर देते हो? कमाई मत बताओ, नहीं बताओ। अगर हम रेगुलर वीडियोस बनाते हैं, डेली अगर 2 अपलोड करनी है तो महीने का 50 लाख मान लो। और अगर आप डेली 2 नहीं करते, हफ्ते में 2 करते हो, तो 20 लाख के आसपास तो होता ही है। चाहे 20 लाख रुपए के आसपास तो महीने का खर्चा है। करो चाहे मत करो। आपकी कितनी बड़ी टीम है अभी, कितने लोग हैं? 40 लोगों की टीम है। अच्छा, जिसमें से 20 लोग मेरे साथ ही रहते हैं, साथ ही काम करते हैं ऑफिस में। और अभी जो आपके साथ आए हैं ये लोग, ये सब आपके मेन टीम मेंबर्स हैं, राइट? टीम भी है, भाई भी है। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ देम। एक बार स्टेज पे आ जाओ आप लोग भी। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई मस्ट से दैट। आप में से कोई कुछ कहना तो नहीं चाहता है? चेल बाबा चेल। ये मैं समझा नहीं, मेरे को थोड़ा बताएंगे इसके बारे में क्या बोल दिया? थ्री इडियट मूवी बोलते हैं नॉलेज वेल। हाँ, तो हमारा है चिल बाबा चिल, नॉट चिल बाबा चिल। सर मेरा ये कहना है कि जैसे अभी 11-12 हम लोग का मेन होता है, घर वाले का कहना था 11-12 मेन है, कोई नीट लेते हैं, कोई मैथ्स लेते हैं, तो उसमें जो होता है सर अक्सर हर जगह सर ये बता टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा, तो इतने दिन ये करना, तो वो कैसे आप लोग करते हो टाइम मैनेजमेंट? आप भी बोले बहुत सारे वीडियो डालते हो आप, सप्ताह में डाल देते हो 2 हर दिन, तो वो कैसे आप भी वो ट्रैवल करते हो सर यहाँ वहाँ, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? आपको कैसे पता कि मैं ट्रैवल करता हूँ? देखता हूँ वीडियो आपका, देखा हूँ सर बहुत सारे। मेरी कौन सी वीडियो में मैं ट्रैवल करता हूँ? ट्रैवल मतलब जाते हो ना हर जगह? मैं तो यहाँ आता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं तो मतलब होता ना टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे करते हो? अच्छा ठीक है, आई गॉट इट। कितने चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए? टाइम मैनेजमेंट, बताइए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपका काम बड़ा है, अगर आपके पास अच्छी टीम है, टाइम मैनेजमेंट का आधा इशू तो वहीं सॉल्व हो जाता है। आप जो खुद नहीं कर सकते वो काम उनसे करवाओ जो उस काम में माहिर है। देखिए, एडिटिंग मुझे भी आती है अपनी वीडियोस की, अगर मैं सारी वीडियोस एडिट करूँगा तो मेरा टाइम ज़्यादा जाएगा, तो मैं उससे अच्छा उससे भी करवाऊँगा जिसको एडिटिंग आती है, जो एडिटिंग करने के लिए ही सीखी है, जिसने जिसके लिए बनाया, तो मैं आधा काम तो उससे करवा लूँगा। अगर अपन स्मार्टली अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, पूरा शेड्यूल बनाते हैं सारी चीज़ों का, तो काफ़ी ईजी हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। 2 तरह के काम होते हैं, एक जो आपको करना पसंद है, एक जो करना पसंद नहीं है। जैसे ये जो कर रहे हैं इनको करना पसंद है, पसंद। इन्होंने बताया ना अभी अपने बारे में कि क्या करते थे स्कूल में, लेबोरेटरी में आग लगा दी थी, अब ये यूट्यूब पे आग लगा रहे हैं सब्सक्राइबर्स के वे में पॉजिटिवली। तो बेसिकली क्या होता है, 2 तरह के काम होते हैं, एक जो आपको करना पसंद है, एक जो करना पसंद नहीं है। जब करना पसंद होता है कोई काम आपको करना, तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट की कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। वहाँ उल्टी प्रॉब्लम आती है कि मैं अपने आप को रोकूं कैसे, क्योंकि रुकने का मन ही नहीं करता है। अगर इनको एक काम करना पसंद है तो इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये अपने टाइम को मैनेज कैसे करें, इनकी प्रॉब्लम उल्टी है आपसे। आपकी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को पढ़ाई करनी है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये आप पूछना चाह रहे हैं, राइट? कि अपने टाइम को आप मैनेज करते हैं और टाइम नहीं निकाल पाते, फालतू की चीजों में टाइम चला जाता है। इनकी प्रॉब्लम पता है क्या होगी, कि दिन में 24 घंटे होते हैं, कम पड़ जाते हैं। तो मैं क्या कहूंगा आप सबको, मेरी सलाह ये है इस एज ग्रुप में, जो अभी आप लोगों की एज ग्रुप है 18 साल के आसपास, जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो, प्रोफेशन के साथ साथ में पैशन को भी रखो। इसलिए नहीं कि वहां से पैसा कमाना है, इसलिए कि लाइफ नहीं तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। जैसे अगर आप खेल रहे हो तो ये मत सोचो कि अब खेल करके मेरे को पैसा तो मिलना नहीं है, मैं क्यों खेलूं? अरे भाई, खेलना जरूरी है, तभी तो पढ़ पाओगे। बट आप कहते हो मैं सब कुछ छोड़ करके सिर्फ पढ़ूंगा 24 घंटे, पढ़ाई में भी वो रिजल्ट नहीं आएगा। सब लोग समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा करना जरूरी है जो कि आपकी बॉडी को, आपके माइंड को बेटर करे। सर मेरा क्वेश्चन रिस्क को लेकर, जैसे आपने भी कॉलेज ड्रॉप आउट किया था और आपने भी यूट्यूब स्टार्ट किया, तो मतलब ऐसे आप दो बट 100 फेल्स भी होते हैं, तो रिस्क लेना कभी कभी लोग सोचते हैं ना ले, कभी सोचते हैं ले, तो इसको मतलब कॉन्ट्राडिक्ट होता है, तो इसको कैसे आप रिजॉल्व करोगे? देखिए, मैंने पहला लैपटॉप लिया था वो यूट्यूब के लिए नहीं लिया था, मैंने बिजनेस के लिए लिया था,
बिजनेस फेल हो गया, लैपटॉप रखा हुआ था, फिर लैपटॉप से मैंने यूट्यूब पे एडिटिंग सीख ली, लैपटॉप भी काम आ गया। तो ऐसा तो नहीं है, फेल भी होते हैं, अपन रिस्क लेनी तो पड़ती है ना। लेकिन आप जिस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, क्या वहाँ पे रिस्क नहीं है? वहाँ पे क्या परसेंटेज चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के? 1%, 2% मैक्सिमम, कई कई केसेस में तो 0.01%। तो रिस्क तो वहाँ भी है सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर, मेरे को खुद पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, पीठ पीछे सामने भी बहुत कुछ बोलते हैं, तो मेरे को घबराहट होती है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता मेरे पे। मैं कुछ नहीं बोलूँगा सर, की सारी वीडियोस देख लो एक बारी सर क्योंकि मेरे अंदर भी ये चीज़ है सेम, मैं खुद को आप में देखता हूँ, तो मुझे यहाँ आने से पहले मुझे भी डर लग रहा था यार, उसमें क्या है? ये जो फियर होता है ना हमारे अंदर, डर लगता है कि सामने वाला क्या कहेगा, या वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, या ये हो रहा है वो हो रहा है, इसका एक ही तोड़ है, अपने काम को बोलने दो और लोग अपने आप ही मुंह बंद हो जाएगा। सही बात, आपको मुंह बंद कराने की किसी को जरूरत नहीं है, उसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे, अपने आप मुंह बंद हो जाता है लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर एंड टेकिंग आउट योर टाइम, इट मींस अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच। उनकी एज बहुत कम है लेकिन अचीवमेंट बहुत बड़ी है, वो इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर है। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली सौरभ जोशी। कैसे हो? अरे बढ़िया बढ़िया, कैसे हो? हाय गाइस, कैसे हो सब? सभी ब्लॉग में आ रहे हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू। पिछले कुछ दिनों में मैंने इनके काफ़ी सारे ब्लॉग्स देखे, तो मैंने इनकी कुछ कमाल की क्वालिटीज ऑब्जर्व करी है। उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारी टीम भी कह रही है कि जैसे ये कैमरे के आगे दिखते हैं ना, उससे भी ज़्यादा हम्बल, उससे भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ ये कैमरे के पीछे है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है सौरभ आपकी, और मैं बस इतना ही आपको कह सकता हूँ कि आप जैसे हो वैसे ही रहना, अभी तो शुरुआत है लाइफ में, बहुत आगे जाओगे, बहुत तरक्की करोगे अगर ऐसे ही रहे तो। सबसे पहले तो मैं आपको दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा इतने बड़े स्टेज पे मुझे बुलाने के लिए, अपने सामने बिठाने के लिए। थैंक यू तो बहुत कम है, लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आपकी फैमिली भी है यहाँ पर, आई थिंक कहाँ पर बैठे हुए हैं, ये रहे, हाँ आपके मदर फादर, नमस्कार जी। एक बार आप लोग यहाँ पे आएंगे स्टेज पे, इनके लिए एक जोरदार तालियां, इन सबके लिए प्लीज आइए। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो पीयूष? अरे अरे मेरे भाई गले मिलो। मुझे ये लगता है, आप बताना कि मेरे को ठीक लगता है या नहीं, कि ये आपके अकेले का चैनल नहीं है, आपकी पूरी फैमिली का चैनल है, और ये फैमिली मिल करके ये जो कर रही है ये कमाल है। मतलब इंडिया में बहुत रेयर ऐसी फैमिलीज होती है, शायद इसी वजह से लोग इतने अच्छे से इनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। मुझे तो यही लगता है, हाँ। अगर मेरी फैमिली नहीं होती तो मैं नहीं होता, बिकॉज एक बच्चे की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली होती है, माता पिता होते हैं, उनका पालन पोषण किस तरह का है, अगर वो ही सही नहीं होते तो मैं भी किसी गलत राह पे चला जाता। उन्होंने अच्छे स्टार्टिंग से मुझे अच्छे संस्कार दिए, किस तरह से रहना है, किस तरह से हम्बल रहना है, वो भी उस तरह के हैं, तभी मैं वैसा हूँ। बहुत बढ़िया, आप लोग सभी बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो, मेरे दिल से दुआ है आपके पूरे परिवार के लिए, आपके लिए, सबके लिए। तो सौरभ, इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ पूछे, मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि इतने कम टाइम में ये जो आपने सक्सेस अचीव करी है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? अगर एक रीजन की बात करनी हो तो एक सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तो आप हो सर क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं ऐसा था, इतना शाय टाइप का था, मैं किसी से बात नहीं करता था, मेरे घर में कोई आया तो मैं भाग जा रहा हूँ, मैं अपने रिलेटिव से नहीं मिलता था और किसी से बात नहीं कर पाता अच्छे से, फोन पर बात नहीं कर पाता था मैं। लेकिन जब से मैंने आपकी वीडियोस देखी, आपने बोला क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो आपकी बातें ना क्लिक कर जाती है एकदम से, तो तब से मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया ना, मतलब लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है आपकी वजह से।
तो हाँ, सबसे बड़ा हाथ मुझे आपका लगता है। अब बताइए आप में से कौन है जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एंड मुझे सौरभ सर से यही क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करती है पूरा, बट इंडियन फैमिलीज ऐसी नहीं होती, कुछ कंजर्वेटिव टाइप होती हैं जो ऐसा हमें नहीं करने देती, गर्ल्स को स्पेशली नहीं करने देती, तो हम इसमें क्या करें? फैमिली ही सपोर्ट करती है मेरे ख्याल से, तो और तो कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि फैमिली ही है जो हमारी एक्चुअल में केयर करती है, क्योंकि वो आपके बारे में सोचते हैं, बस आपको समझना है उनको। लाइक मैं एग्जांपल दूँ, यहाँ आने से पहले मम्मी ने मुझसे 3-4 बार पूछा है, वहाँ को तेरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वहाँ इतनी ऑडियंस बैठी होगी तेरे ऊपर आ जाएं। मम्मी सीरियसली मम्मी ने मुझसे पूछा है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर इनके ऊपर कोई आए तो मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा, किसी को नहीं आने दूंगा। तो फैमिली तो प्रोटेक्ट करती है, फैमिली केयर करती है एक्चुअल में, इसीलिए फैमिली बोलती है, लेकिन अगर आप समझाओगे तो वो डेफिनेटली समझेंगे। और आप ये सोचो, अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पा रहे तो दुनिया में आप किसको समझाओगे? जैसे आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया है और आप शार्क टैंक में पहुंच जाते हो, वहां पे देखा है क्या हाल करते हैं लोगों का। हाँ, सोचो वहां चले जाओगे, उनको कन्विंस कर लोगे? अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे तो पहले जो भी आप करना चाहते हो शुरुआत घर से होती है। अपने पेरेंट्स को समझो, उनको समझाओ, उनको अपने साथ लेकर के चलो, उनके साथ चलो, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपकी फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे इनकी फैमिली इनके साथ में है तो इनको कोई डर नहीं है, कुछ भी हो जाए फैमिली बैठी है संभालने के लिए, मदर है, फादर है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यू गॉट द आंसर? यस सर। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। सर, जैसे आपका सर ब्लॉगिंग का चैनल है सर, तो सर मेरा भी एक झा क्लासेस करके एजुकेशनल चैनल था सर, बट सर रिलेटिव्स और बाहर के लोगों सर मेरे को सर ताने देते थे कि तू क्या कर रहा है, तो सर इस चीज़ को कैसे फेस करें सर, कि बाहर के लोगों के मतलब बात का असर ना हो? सर, सर के सेशन देखो, सर ने क्या समझाया अच्छे से। एक काम करो, मैं आइडिया देता हूँ। यूट्यूब पे ना बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है जबकि वो सही नहीं है, गलत है, लेकिन आपके पेरेंट्स को नहीं पता कि वो झूठ है। वो उन्होंने बनाई है इनकी अर्निंग्स के ऊपर कि महीने का 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। वो दिखाओ, आपके पेरेंट्स हो सकता है देख करके उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक आए। अच्छा, ये सही है सर, ये आइडिया सही है, सही लगा ना? यस सर, ये डेफिनेटली ये करो। ठीक है, उनको नहीं पता कि सच क्या है झूठ क्या है। वैसे सच अगर बताऊं तो सच में ये बहुत कमा रहे हैं, कम नहीं कमा रहे हैं। जितना ज्यादातर लोग एक साल में कमाने का सोचते हैं इनकी एज में, जो उनका ड्रीम होता है, yes, उससे ज्यादा ये एक महीने में कमा रहे हैं। मैंने ना वैसे आप लोगों के व्लॉग देखे, मैंने देखा ब्लॉगिंग के लिए 2 वर्ड्स हैं जो आपको सीखने हैं, एक है गाइस, एक है भाई। मतलब हर वीडियो में कम से कम 20 बार ये वर्ड्स यूज होते हैं। गाइज, सुबह के 6 बजे मैं तो उठ गया हूँ, लेकिन पीयूष नहीं उठा है, साहिल नहीं उठा है, राइट? हाँ, उसके बाद में भाई, ओ भाई ये क्या खा लिया, ओ भाई निकल रही है, ओ भाई पॉटी हो रही है, ओ भाई पॉटी हो रही है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतने ऊपर पहुंच चुके हो, इतने मिलियंस ने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने व्यूज आते हैं, लेकिन जो आपको देख के जो आप बंदे जो क्या करते हैं कि चैनल्स बना रहे हैं आपको देख के या इन्हें देख के, आप उनके बारे में क्या सोचते हो? कभी ऐसा माइंड में आया है कि अरे भाई ये बना रहा है, इससे टक्कर हो जाएगा आगे चल के? ऐसा तो नहीं होता कि भाई इसे नहीं बढ़ने देना, ऐसा कभी आपके माइंड में आया है क्या? आपको ना सुन करके मेरे को अभी तक नहीं आ रहा था, लेकिन अब मेरे को डर लग रहा है। मेरे को मतलब इनकी बातें सुन करके और इनको देख करके मेरे को डर लग रहा है, कहीं ये कल को मेरे से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ना बन जाए, फिर मेरे सारे सब्सक्राइबर्स इधर चले जाएं। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ये यहाँ पर स्टेज पे आ जाए, मेरे को वहाँ बिठा दें, मेरे को डर लग रहा है ये सब सुन करके, तो मेरे को मत डराओ प्लीज आप। कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि मजाक हो रहा है। टिप्स तो एक ही है, कुछ डिफरेंट करो। लाइक मेरे केस में मैंने बिल्कुल रियल लाइफ दिखाई अपनी, जो थी और अभी जो है वो दिखा रहा हूँ। लाइफ मेरी चेंज हो गई है, काफी लोग बोलते तू चेंज हो गया, तो पहले ऐसे नहीं, वो चेंज हुई है तो वो तो दिखाऊंगा ना मैं, तो जो रियल है वो दिखाता हूँ। तो आपको भी कुछ डिफरेंट दिखाना, मेरे को देख के काफी व्लॉगर्स आ रहे हैं, काफी यूट्यूबर्स आ रहे हैं, तो वो मेरी तरह सेम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उस तरह से मत करो, कुछ डिफरेंट करो। यानी कि जैसे आप हो, जो हो वैसे दिखाओ, इनके जैसा या मेरे जैसा बनने की कोशिश मत करो। जैसे आज अगर मैं इनके जैसा बनने की कोशिश करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, ये मेरे जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे एक पंछी है और एक मछली है, तो पहले आपको समझना है आप क्या हो,
उसके हिसाब से एक्ट करो और पब्लिक को तभी कुछ नया देखने को मिलेगा। मतलब जो आप हो एक्चुअल में वही नया है, जो आप इनकी तरह बनना चाहते हो वो नया नहीं है, वो तो पुराना है, वो तो हो चुका है, वो तो हो ही रहा है बहुत अच्छे तरीके से। और जो आपका सवाल था कि भाई बुरा तो नहीं लगेगा, बुरा क्यों लगेगा, इन्होंने कोलैब किया फ्लाइंग बीस्ट के साथ में, ट्रिगर्ड इंसान के साथ में, आज ये मेरे साथ में है, तो उससे क्या हो रहा है? क्या मुझे ये डर लग रहा है कि वो मेरे से आगे निकल जाएगा, पीछे निकल जाएगा? आगे पीछे क्या होता है, मिल करके ग्रो करेंगे ना। आप समझ रहे हो कि अगर आप कल को ब्लॉगिंग करते हो और आप अच्छे से ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपका अपना एक यूनिक स्टाइल है और आप ग्रो कर रहे हो, तो आई एम श्योर आप लोग मिल करके कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मिल करके आगे बढ़ने के बारे में सोचो। गुड मॉर्निंग संदीप सर, गुड मॉर्निंग सौरभ भाई। तो मेरा क्वेश्चन ये था सौरभ भाई आपसे कि आप ऐसे बाल रखते हो, कभी आपको अंकल या आंटी ने कुछ बोला नहीं ऐसे बालों के ऊपर? क्योंकि हम अगर ऐसे बाल घर में रखे ना, तो पापा पता नहीं कौन कौन से जानवर का एग्जांपल दे देंगे। चप्पल अलग। मेरे साथ भी होता था पहले से। होता था हाँ। अब नहीं होता? नहीं अब नहीं होता। अंकल आंटी कभी नहीं बोलते? पहचान बन गया मेरा, बाल और चश्मा। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है, फ्यूचर में मैं ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कि भाई सौरभ जोशी भाई के पास थार है और इनोवा क्रिस्टा है। सवाल आपसे कि आपके पास कौन सी गाड़ी है? आई थिंक सर आई थिंक आपके पास इवोक है। मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। बहुत सारी। मैंने ना कुछ ब्लॉगर्स की वीडियो देखी, नहीं इनकी नहीं, मतलब कुछ ब्लॉगर्स की वीडियो देखी जहाँ पे वो भाड़े की गाड़ी लेकर के आते हैं। तो ये आइडिया बढ़िया है यूज़ के लिए, तो कुछ ऐसा ही करता हो, तो गाड़ी भाड़े की थी। एक और सवाल है मेरा सौरभ भाई के लिए कि भाई आपका नाम सौरभ जोशी है, आपके पास इतना डेली जोश आता कहाँ से कि आप डेली कैमरा पकड़ के निकल, डेली कैमरा, आपके हाथ में नहीं दर्द होता? गोल बड़ा है ना, तो चैन से बैठ ही नहीं पाता मैं। बाहर से आपको जो दिखता है वो सिर्फ ये दिखता है कि जो इनकी सक्सेस है, इनके सब्सक्राइबर्स हैं, इनके व्यूज हैं, लेकिन अंदर जो इनके चल रहा है ना, वो सिर्फ यही जानते हैं। और बिना अंदर वो जो आग है, उसके इतना आगे आप आ ही नहीं सकते। इनके अंदर आग लगी हुई है, वो सिर्फ ये जानते हैं, बिना उसके इतना आगे कैसे आ जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। वो आग अलग अलग तरीके से बाहर आती है, जैसे मेरे सेशन में तो मैं थोड़ा चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, आसान है ये वो करता हूँ, ये थोड़ा गाइस भाई ओ भाई 24 घंटे तक इस गाड़ी में रहना है भाई, मैं यार क्या करूँगा, कैसे टॉयलेट रुकूंगा, मेरे से नहीं रुक रही यार, सुबह हो गई है, मैं तो हार गया चैलेंज यार, मैंने देखी वाली आपकी वीडियो। सच में आप लोग 24 घंटे तक गाड़ी में रहे थे? हाँ जी, ले गए थे, कम्बल भी ले गए थे, और मैं 2-3 बार देखने गई, चाय दी मैंने, खाना दिया उसी में, तो देखने गई तो सोए थे आराम से, और फिर सुबह जल्दी उठ भी गए थे, 3 बजे उठ गया था ये, उसमें से कितना सोया पता नहीं। हाँ मैंने देखा, सबसे पहले आप उठे थे। हाँ जी, उसके बाद में आई थिंक साहिल की बारी थी। हाँ। है ना, आपको भी सुसु आ गया था, साहिल को भी आ गया था। लेकिन पीयूष को नहीं आया, उसको नहीं आया। पीयूष क्या कमाल है भाई साहब, क्या खाते हो आप? और मैंने देखा सबसे ज्यादा खा पी यही रहे थे उस वीडियो में, खाते भी यही रहता, मतलब नॉन स्टॉप। आप वहाँ नैनीताल गए थे, वहाँ पे रस्ते में भी खा पी रहे हो और ये वो। तो पीयूष भाई आप क्या करते हो, मुझे भी कोई नुस्खा बताओ। कुछ नहीं, बस आई नहीं बस। सरदा ने कहा था ना, जो जीतेगा उसको कुछ मिलेगा, फिर बाद में नहीं दिया कुछ। कुछ दिया भी नहीं। मतलब इन्होंने कहा था कि अगर आप जीते तो हाँ। कुछ मिलेगा, और कुछ नहीं मिला। नहीं, चलो एक काम करते हैं, आज यहाँ पर एंड में एक सरप्राइज है। ओके। इस सेशन के एंड में ठीक हाँ। है, उसमें एक बॉक्स होगा, तो वो गिफ्ट आपका होगा, उसकी अनबॉक्सिंग आप करोगे। ओके। अगर आप लोग जानना चाहते हो उस गिफ्ट में क्या है, तो आप लोग इनके चैनल पे जाएंगे और वहां जाकर के देखेंगे, वो जो 24 आवर चैलेंज आपने जीता था उसके लिए वो गिफ्ट मिलने वाला है आपको। ठीक है, डन। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है आपके लिए, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, और बहुत ज्यादा बॉटम, बहुत ज्यादा दिल से प्यार है आपको, बहुत फॉलो करा आपको, मतलब जिस आपको देख देख के इतना नजरिया बदला है, कोने में बैठे रहना रूम के, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बट अभी ये है कि आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली। और सर का एक बहुत ज़्यादा लाइन रहती है कि हर सेशंस में ही रहती है कि 99.9% लोग अपनी लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते कि बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं, और ऐसे वाला लाइन आपने सुना होगा, तो मुझे एक इसके बारे में आपसे भी जानना है और आपसे भी जानना है। जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, तो मैंने आर्ट से स्टार्ट किया था और
मेरे को ये था कि मुझे कुछ बड़ा करना है और बहुत नेक्स्ट लेवल करना है, जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं किया। आर्ट तो सभी कर रहे थे, लेकिन मैंने उसको यूट्यूब पे लाया, बिकॉज यूट्यूब पे कोई नहीं सिखा रहा था उस टाइम पे, तो मैं यूट्यूब पे लाया और उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट तरह से समझा ऑडियंस को, समझा मैंने कि ऑडियंस को क्या चाहिए, और जो ऑडियंस को चाहिए था मैंने उस तरह से वीडियोज़ बनाई और लोगों को पसंद आई, और फिर मैं मेरा चैनल इंडिया में आर्ट में भी मेरा नंबर वन पे पहुंच गया था। फिर उसके बाद फिर व्लॉगिंग स्टार्ट हुई। व्लॉगिंग में मैंने सोचा कि व्लॉगिंग में भी मैंने सोच लिया था कि हाँ नेक्स्ट लेवल करना है कुछ, और इस तरह से ग्रो करते करते सर को फॉलो करते करते कि हाँ रहना ऐसे ही है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। और मैंने टारगेट करा जो मिडिल क्लास लोग हैं इंडिया में, उनको कि हाँ उनकी लाइफ दिखानी है, हम भी मिडिल क्लास है, बिल्कुल हम तो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास थे, तो मैंने कहा यही दिखाना है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वही क्लिक कर गई और लोगों को बहुत पसंद आई, अभी भी लोगों को बहुत पसंद आती है। ज़्यादातर लोग लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते हैं कि वो कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। ये चाहते तो बहुत छोटा भी सोच सकते थे, वो क्या कि मैंने BFA किया, आई थिंक आपने BFA किया होगा, BFA किया, उसके बाद में अब मुझे बस ये करना है वो करना है, जो बाकी के बच्चे कर रहे हैं वही करना है। लेकिन इन्होंने सबसे हट करके कुछ किया, क्या किया, अपनी जो आर्ट है उसकी वीडियोस YouTube पे एक एक करके अपलोड करने लग गए। फिर उसके बाद में मैंने आपकी स्टोरी देखी है, तो एक पॉइंट ऐसा आया जब लॉकडाउन के टाइम पे आपने अपने आर्ट चैनल पे आर्ट से रिलेटेड अपने व्लॉग्स कुछ अपलोड करे, आई थिंक अपनी मदर के कुछ पोर्ट्रेट बनाए थे। हाँ जी, हाँ जी, है ना? स्टार्टिंग में व्लॉग्स में यही था, आर्ट से रिलेटेड था, आर्ट से रिलेटेड था, और योर टर्निंग पॉइंट वाज जब आपने अपने मदर के कुछ आई थिंक पोर्ट्रेट बनाए थे, कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, तो आपको मदर का आशीर्वाद मिला। हाँ जी, हाँ जी, वो आपकी शुरुआत थी। हाँ जी, प्लस वहाँ पे वो व्लॉग्स आपके वायरल हुए। हाँ जी, फिर वहां से आपको आइडिया आया कि क्या हो अगर मैं और व्लॉग्स बनाऊं, डेली अपनी लाइफ दिखाऊं, हर एक के घर में कुछ ना कुछ होता ही है, तो बस वो दिखाते चले गए। कितना आसान है देखा जाए तो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब मैं बोलता हूँ ना आसान है, तो सक्सेस एक्चुअल में आसान है, हम क्या करते हैं उसको बहुत मुश्किल बना देते हैं। सोचो इनके पास में दो ऑप्शंस थे, एक ये कि बहुत दिमाग लगाएं कि अब मुझे इतने सारे डिवाइसेस चाहिए, इतने सारे कैमरास चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तब जा करके मैं वो कर पाऊंगा। नहीं, अपने कैमरा से शुरू किया था, आई थिंक 7-8 हज़ार रुपए के कैमरा से, नहीं नहीं फोन से, हाँ 7-8 हज़ार रुपए के फोन से स्टार्ट किया था, उससे स्टार्ट किया था, और आज देखो कहां पर है, किस लेवल पर है। और कितने टाइम तक आपने फोन से ही वीडियोस बनाई थी? मैंने 1-1.5 साल, मैंने अराउंड 400-500 वीडियोस बनाई फोन से। जब ये ड्राइंग करता था ना, एक टेबल भी नहीं था जी, तो मैं, मेरी सहेली थी वहाँ, उससे टेबल मांग के लाई, और उस पर पैर भी नहीं था उस टेबल पे, तो मैंने नीचे से ईंट लगा के वो टेबल इसके लिए ऊंचा करा हमने, और इसने सारी बुकें रखी फिर इतनी ऊंची, फिर उस पर वो करके इसने ड्राइंग बसी। तो बेसिकली मैं जुगाड़ करता था कि, क्योंकि ओवरहेड चाहिए ना ड्राइंग बनाने के लिए, तो मैं बुक्स रख के, बुक्स के बीच में लकड़ी फंसा के उसको, बहुत बड़ी बात है। आपको आंसर मिल रहा है आपके इस क्वेश्चन का, हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं। ज्यादातर लोग जो फेल हो जाते हैं ना लाइफ में, वो बहाने बनाते रहते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे पास में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, इस वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूं, मेरे को वो रोक रहा है, मेरे को वो रोक रहा है। कोई किसी को नहीं रोकता है, हम खुद अपने आप को रोकते हैं, और अपने आप को जितना बेवकूफ बनाते हैं ना, किसी और को नहीं बनाते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई बहाने नहीं बनाए, ये कोई बहुत अमीर फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थे कि इनके पेरेंट्स के पास में इतने पैसे हैं कि इनको अमेरिका भेजे पढ़ने के लिए या ये करे वो करे, कुछ नहीं, एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, जैसे बताया अभी इनकी मदर ने कि टेबल तक नहीं थी, ईंटें लगा लगा करके फिर एक टेबल बनाई, फिर उसके ऊपर बुक्स रखी, फिर वहां पे मोबाइल रखा, बुक्स के बीच में एक लकड़ी फंसाई ऐसे ताकि उस, फिर उसकी लकड़ी के ऊपर मोबाइल रखा। इन्होंने क्या किया, इनके पास में जो था रिसोर्सेज उस पर ध्यान दिया, वो नहीं जो नहीं था। चाहते तो ये भी बैठ करके बोल सकते थे, अरे वो देखो वो इतना बड़ा ब्लॉगर है, उनके पास में तो इतने बढ़िया बढ़िया कैमराज हैं, उन्होंने तो इतना कुछ किया हुआ है। उस टाइम पे आई थिंक फ्लाइंग बीस बहुत अच्छा कर रहे थे, तो फ्लाइंग बीस का देखो बैकग्राउंड देखो, पायलट भी है, IIT से भी है, और भी बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया हुआ है, बॉडी बिल्डर भी है, ये वो पता नहीं कितना कुछ है उनके पास में। तो चाहते तो ये देख करके बोल सकते थे, मेरे पास में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ना तो पायलट हूँ, ना मैं IIT से हूँ, मैं तो एक हिंदी मीडियम स्कूल से पास आउट हूँ, राइट? हाँ जी, चाहते तो वो ये सब बोल सकते थे, लेकिन जो इनके पास में था इन्होंने कहा वो भी कम नहीं है, मैं वही दिखाता हूँ। तो यू गॉट द आंसर, आपको क्लियर आंसर मिल गया ना? यस सर। कि जो है उसी से शुरू करो, अब बड़ा सोचो, अरे जब सोचना ही है तो बड़ा ही सोचो ना। यस सर। सोचने में टैक्स लगता है क्या? नो सर। तो चाहे छोटा सोचो चाहे बड़ा सोचो, मेहनत बराबर है, तो सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना, करना ही है तो कुछ बड़ा करते हैं ना, मेहनत बराबर है, दिन में 24 घंटे ही हैं,
या तो आप छोटा सोच करके 24 घंटे अपने उस छोटे में बर्बाद कर दो, या कुछ बड़ा सोचो और अपने 24 घंटे उसमें यूटिलाइज करो, वो आपके ऊपर है। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ योर बोथ एंड सौरव सर, आपका मेरे से ये क्वेश्चन है कि आप अपने फ्यूचर गोल्स बताना चाहेंगे लाइक जिससे हम इंस्पायर हो सके। फ्यूचर में मेरा प्लान है ट्रैवल करने का, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एक्सप्लोर करने का, लेकिन अपने वे में, जैसा मैं हूँ वैसे ही, कुछ ज़्यादा हाई फाई वे में नहीं। और बाकी और बिजनेस प्लान्स हैं सर। आपके ब्लॉग्स तो हमारा ब्रेकफास्ट रूटीन है, लाइक मेरी फैमिली पूरी आपका मतलब ब्रेकफास्ट टाइम के टीवी पे पहले आपके ब्लॉग्स फिर हमारी प्लेट लगती है। तो अगर किसी दिन इन्होंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया तो आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? नो 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 सर, नहीं करोगे? नहीं सर, हम तो ब्लॉग इनके डेली देखते हैं। नहीं, किसी दिन अगर इनका ब्लॉग नहीं आया सर, पुराने ब्लॉग्स, अगर कभी इनका ब्लॉग नहीं आया या आपने सारे इनके पुराने ब्लॉग देख लिए तो मेरी वीडियो काम आ जाएगी मतलब। सर आप सर एक्चुअली मैं IIT के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ एंड सर लाइक कभी डीमोटिवेट हो जाती हूँ तो सर आपकी वीडियो देख के तो आग लग जाती है, लाइक आग लगा दो। यस सर, आग लगाओ और पढ़ो। यस सर, डेफिनेटली। ठीक है, एक बार प्रैक्टिकली एक व्लॉगिंग इनकी देखते हैं कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। बस नॉर्मली इस तरह से कैमरा ऑन करके। तो अभी गाइज फाइनली सेशन हो चुका है और यहाँ पे सर हैं। सर कैसा लगा? गाइज बहुत अच्छा लगा। गाइज यहाँ की जो एनर्जी थी ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल एनर्जी थी और सर के साथ में बहुत ज़्यादा बहुत मजा आया, बहुत बहुत मतलब और ज्यादा मोटिवेशन, अब तो मतलब ऐसा लग रहा है लाइफ में सब अचीव कर लिया। और आई थिंक ये पहली बार हो रहा है कोई ब्लॉगर आके यहाँ पे ब्लॉग कर रहा है। पहली बार हो रहा है? हाँ। पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम। आपके लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट क्या है? सरप्राइज है, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर आई है इतनी दूर से स्पेशली सेशन के लिए, तो वो हम सबके लिए बहुत स्पेशल ओकेजन है, हमारी पूरी टीम के लिए। तो आपके लिए गिफ्ट है, वो भी बहुत स्पेशल है। ये वैसे तो आपकी पूरी फैमिली के लिए है, हमारी फैमिली की तरफ से, लेकिन इस पे जो कब्जा होगा वो पीयूष का होगा। आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर बैक स्टेज पर, उनकी जो एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल है। वो इंडिया के सबसे पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली सोनू शर्मा। सबसे पहले तो गुस्सा है इन पे बहुत ज्यादा। क्या गुस्ताखी हो गई सर? देखो ऐसा होता है कि आपके जो ऑडियंस है ना वो आपको बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, आप वहां गए, आप वहां क्यों नहीं जा रहे? अरे मैंने कहा अच्छी बदमाशी नहीं जाते हम। तो नाक में दम कर दिया लोगों ने आप की वजह से। आना ही पड़ा। मतलब इतने मैसेज, अब तो दो तीन दिन से तो धमकी वाले भी आ रहे हैं, जाओगे कि नहीं जाओगे। इस बहाने मिलना तो हो गया ना सर? इस बहाने मिलना हो गया। और मैं जानता हूं कि 2-2.5 महीने से हम लोग प्रोसेस में थे कि आपके से मुलाकात होगा, लेकिन अच्छा लगा बच्चों की एनर्जी देखकर और आपसे मिलकर। वाकई में आप बताइए कौन है जो इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपका लाइफ का एक स्ट्रगलिंग फेज था तो उस टाइम पे आपको गिव अप करने का फीलिंग आया होगा, तो उस फीलिंग को हमें कैसे टैकल करना है या फिर आपने कैसे टैकल किया? देखो जब आपका वाय बहुत क्लियर होता है ना तो आप गिव अप कभी भी नहीं करते। कोई भी चीज क्यों करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर इज अ बुक बाय साइमन सिनेक कॉल्ड लर्न योर व्हाई, कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं ना, तो अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आपका व्हाई क्लियर है ना तो कोई भी ऑब्स्टेकल गिराने के बाद, आप गिरने के बाद, नीचे गिरने के बाद आप अपने आप उठ खड़े हो जाते हैं। तो व्हाई स्ट्रांग होना चाहिए, और वही लोग उठने ही खड़े होते हैं जिनका व्हाई स्ट्रांग नहीं है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको वुडन स्ट्रोक दूं, 2 फुट जिसका विड्थ हो
और 30 फीट जिसका लेंथ हो और आपको बोलूं मैं यहां से वहां आपको ट्रेवल करना है उसके ऊपर चल के और मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा तो आप चल लेंगे बहुत आराम से। आप सवाल को ट्विस्ट करते हैं, अब उसी फट्टे को मैं 100 माले की दो बिल्डिंग के बीच में लगा दूं, आप चलेंगे? लेकिन मैं अगर आपको अभी भी चलवा दूं तो आप अभी भी चलेंगे? अगर आपको पता हो कि दूसरी बिल्डिंग में आपकी बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लग गई है और मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा फिर भी आप चलेंगे? बिकॉज आपका वाय क्लियर है। जब जब आपका वाय क्लियर होता है ना तो कोई भी ऑब्स्टिकल कोई भी गिरावट आपको कभी रोक नहीं सकती, लेकिन जब वाय क्लियर नहीं होता तो छोटी से छोटी ऑब्स्टिकल भी आपको वापस ले जाती है जहां से आपने जर्नी स्टार्ट किया होता है। वाय इंपॉर्टेंट है। आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप कैसे बनना चाहते हो? जैसे एक होता है कि जरा सा भी कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो रोने लग गए, परेशान हो गए। एक ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो सकती है कि आने दो, जो आ रहा है आने दो, देख लेंगे, संभाल लेंगे। वो किसके अंदर हो सकता है? जिसने बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, वही तो बोल सकता है ना आने दो। इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका, सच बता रहा हूं आप लोगों को। अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सक्सेस से कुछ नहीं होता है। सक्सेस जब मिल जाती है हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है, ईगो बढ़ जाती है। बट एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा करके, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। तो आप जितना अभी इस एज में फेलियर्स को देख लोगे, फेलियर्स से डरोगे नहीं, उतना ही आने वाले 10 साल बाद स्ट्रांग हो जाओगे। विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू एवरीबडी, आप देखेंगे कि जो सड़क किनारे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं ना, यू नो, तंबू वंबू लगा के कुछ सामान बेच रहे हैं टाइप्स, वहां देखना उनके बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत शानदार होता है। वो सर्दी में, जनवरी की सर्दी के अंदर वो नंगा ही खेल रहा होगा सर, और हमारा पेम्पर्ड बच्चा ब्लैंकेट के अंदर उसको जुकाम हो जाता है, जरा सा हवा लग जाए ठंडा। तो जो ठोकरे हैं ना वो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना देते हैं। सफलता, सही कह रहे हैं संदीप जी, कि दिमाग खराब करती है। तो ये जो 5-6 साल हैं फ्रॉम 14 to 20 or 22, यहाँ तो आदमी की रगड़म पट्टी होनी चाहिए दबा के, मतलब उसके तो खून के आंसू आ जाने चाहिए कि जिंदगी में भगवान ने मुझे क्या दिया है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मैच्योर लोग रहते हैं जिनको लगता है कि यार एक कुदरत टेस्ट ले रही है यार हमारा, वो तो खुद ही बोलता है अगर 2-4 साल कुछ ना हो ना, ऊपर देख के बोलता है कुछ कर नहीं रहे क्या, मुझसे भरोसा उठ गया है क्या? हाँ सही बात है, भेजो कुछ चैलेंज, मैं तैयार हूँ कुछ बड़ा। मजा ही नहीं आता उसके बिना मजा ही नहीं आता। तो लोग वो हैं कि हम गाड़ी चलाते हैं ना, 4-5 साल स्मूथ चलने लग जाए गाड़ी रोड पे, तो हम गाड़ी रोक के खुद ही खड्डा खोदते हैं सड़क पे। साला इतनी स्मूथ क्यों चल रही है, कोई ना कोई चैलेंज चाहिए यार, मजा नहीं आ रहा यार गाड़ी चलाते हुए। तो चैलेंजेस आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करती हैं, और मेरे हिसाब से 14 और 20 साल का जो एज है इसमें तो खूब पिटाई होनी चाहिए आदमी की, खूब रगड़ा पट्टी होनी चाहिए, ताकि उसका इम्यूनिटी एक बार अच्छी हो जाए, बाकी का उसका जो 60-70 साल का जिंदगी है ना वो लोहा हो जाता है। आपको खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है, दुनिया तो नहीं करेगी, तय है, दुनिया तो चड्डे में बम लगाएगी आपके। हाँ तकलीफ ये नहीं है कि चड्डे में बम लगाएगी, तकलीफ ये है कि रिमोट भी अपने हाथ में रखेगी जब मन करे। हाँ, जब मन करेगी खास। सही, आप पे भरोसा नहीं करेगी, तय है। लेकिन अगर आपने भी भरोसा नहीं किया अपने ऊपर, तो मुझे लगता नहीं है कि वो ऊपर जाएंगे तो खुश होगा, वो कहेगा मैंने क्या बना के भेजा था यार, तुमने साला खुद पे ट्रस्ट नहीं किया। मेरा ये मानना है कि आदमी पहाड़ की चोटी से गिर जाए ना वापस खड़ा हो जाता है, ऊंट से गिर के भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी नजर में गिर जाए ना फिर आदमी खड़ा नहीं होता कभी। हमारे को अपनी नजर में खड़ा होना। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये जो आप अपने वीडियोस में बार बार साला साला बोलते हो, तो आपका साला एक्चुअल में है या नहीं है? नहीं बिल्कुल है, हष्ट पुष्ट है। कितने सारी खुदाई एक तरफ, एक्चुअली मैं उसको याद करता हूँ, लोग कुछ और कोई में क्या। आजकल का जो दौर है ना, जो मुझे कई बार लोग बोलते हैं आप साला मत बोला करिए, लेकिन साला बोलने से जो वजन बढ़ता है ना बात में, वो कुछ और शब्द उसको उसका भरपाई नहीं कर पाता, वो उसकी भरपाई नहीं हो पाती। और कभी कभी जैसा लोग मुझे बोलते हैं मत यूज करो, ये वो आदमी है जो नेटफ्लिक्स देख रहा है और न जाने क्या क्या देख रहा है और क्या क्या सुन रहा है, लेकिन उसको मेरे से पंगा है थोड़ा सा। हर आदमी रहता है ना कि इस देश में हर आदमी से खुश हो सकता है क्या? इफ एवरीबडी लाइक्स यू, यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम, है ना। अगर दुनिया में सब आपको पसंद करते हैं तो आप में कोई प्रॉब्लम है, फिर आपने कोई समझौते किए हैं जीवन के अंदर।
तो मैं वो जानबूझ के बोलता हूँ क्योंकि उसका जो वजन है ना यार, मैं और बोलना चाहता हूँ और भी कुछ लेकिन रोक लेते हो सर मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे लाइफ में सबके लिए सब कुछ क्लियर होती है, नॉलेज सबके पास है, क्लियर कट सब हैं सब रास्ते के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ चीज़ें उनको रोकती है, पता है उसको भी वो क्या रोकती हैं क्या नहीं रोकती हैं, फिर भी वो चाह के वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाता उन चीज़ों को लेके, एक नेगेटिविटी उसको रोकती है और उसकी सराउंडिंग उसको रोकती है, मैटर करता है उसको सब पता है करना क्या है फिर भी वो रुकता है, सर इसके लिए कोई ऐसा आंसर दो आज तक किसी ने दिया ना और क्लियर कट हो। भगवान कृष्ण पांडवों के तरफ से गए 5 गांव मांगने हस्तिनापुर, शांति प्रस्ताव लेके गए कि 5 गांव आप पांडवों को दे दो, बड़े संतोषी हैं वो, लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे और पूरी महाभारत टल जाएगी, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो दुर्योधन ने बोला कि सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण दुर्योधन से बोलते हैं ये धर्म है? उसने बोला मैं जानता हूं धर्म है। उसने बोला करता क्यों है? बोला पता नहीं ऐसी कौन शक्ति है जो मुझसे करवाती है, ऐसा होता ही नहीं है कि गलत करने वाले को, अरे मुझे तो पता ही नहीं था चोरी करना पाप है, नहीं तो मैं करता ही नहीं यार, पता होता है। कहता पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझसे गलत कराने को मजबूर करती है और मैं करता जाता हूं। कुत्ता रहता है ना, जो कुत्ता, उससे परफेक्ट एग्जांपल नहीं है। कुत्ता अगर रोटी चुरा के कहीं से भागेगा ना, आप ध्यान दीजिए गौर करिए, कहीं से चुरा के भागे तो वो 3 गली दूर जाएगा, चोरी से खाएगा कि कोई देख तो नहीं रहा, चुरा के लाया है। और अगर कोई मालिक उसको अगर परोसता है, ध्यान से देखना, वो पहले पूंछ उठाएगा, 2 हाथ ऊपर के करेगा, थैंक्स बोलेगा, शुक्रिया अदा करेगा, और जहां परोसी होगी वहीं बैठ के खाएगा। कुत्ते को भी पता है ये ईमानदारी की रोटी है, और उस कुत्ते को पता है कि साला बेईमानी की रोटी है, वो 3 गली दूर जाके खाता है। कुत्तों को भी पता होता है क्या सही है क्या गलत है, तो इंसानों को कैसे नहीं पता हो सकता है? सबको पता होता है कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है, बहुत बढ़िया, फिर भी लोग करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एवरीबॉडी नोज ना। अब वो 40 साल तक साला चेन स्मोकिंग कर रहा है और उसके फेफड़े खराब हो गए, डॉक्टर ने बोला भाई तेरी वारंटी खत्म है, तू विलशील लिख ले, तू जाने की तैयारी कर ले। और ये डॉक्टर साहब को अगर इनोसेंटली बोल रहे, डॉक्टर साहब मुझे पता होता भगवान कसम मैं पीता ही नहीं, बोल सकता है ऐसे? नो, उसको पता था। पता होने से कुछ नहीं होता। मैं अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। आपको सब पता है, सुबह सैर करने से सेहत अच्छी रहती है, हर किसी को पता होता है, गरीब भी कर सकता है अमीर भी कर सकता है, चप्पल है तो भी कर सकता है, नाइकी का जूता वाला भी कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं करता ना। पता होने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इनकी बात में, अब इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बार आपको सिगरेट की लत लग गई, तब अगर आप एक क्वेश्चन पूछोगे तो आपके लिए सिगरेट को छोड़ना, अगर मानो आपको 10 साल हो गए सिगरेट पीते हुए, अब एकदम से सिगरेट को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। मैं बोलता हूँ आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकली आपकी जो ब्रेन है वो मांगेगी उस चीज को। अब सिर्फ साइकोलॉजिकली आप क्रेव नहीं कर रहे सिगरेट के लिए, बायोलॉजिकली भी वो क्रेविंग उठेगी अंदर से, जैसे भूख लगती है प्यास लगती है वैसे ही निकोटिन मांगेगी आपकी जो ब्रेन है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जब भी कोई गलत काम करने की शुरुआत कर रहे हो, आपको पता है कि वो सही है गलत है, तभी आपने क्वेश्चन पूछा, आपको पता है कि मैं यहां पर गड़बड़ कर रहा हूं, अब वो गड़बड़ क्या हो सकती है? टाइम खराब कर रहा हूं। एक बार आदत पड़ गई टाइम खराब करने की, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना। बहुत, लेकिन अगर शुरुआत हो रही है टाइम खराब करने की, वही रोक लिया पहली सिगरेट पे आप रुक गए तो बच जाओगे। मैं आपको संदीप जी को ऐड करता हूं, ये बिल्कुल फैंटास्टिक बात बोली इन्होंने, बहुत जबरदस्त बात बोली। एक गुरु और एक चेला कहीं से ट्रेवल कर रहे थे, राइट, कोई जंगल टाइप जगह थी, तो गुरु ने बोला इसको उखाड़ दो। क्या उखाड़ दो? वो छोटा सा पौधा सा लगा था, इतना सा उंगली जितना बाहर आया था। तो बच्चे ने बोला कौन सी बात है, खट से उखाड़ दिया। हाँ। थोड़ा सा और आगे गए तो 2.5 फुट का एक छोटा सा पेड़ था, गुरु ने बोला इसको उखाड़ दे, उसने थोड़ा सा जोर लगाया वो भी उखाड़ दिया। फिर 4-5 फुट लंबा पेड़ था, गुरु ने बोला अब इसको उखाड़ दे, थोड़ी सी उसको मेहनत लग रही लेकिन उसने फाइनली उसको भी रिमूव कर दिया। अब एक बरगद का पेड़ था करीब करीब 20 फीट ऊंचा, गुरु ने बोला अब इसको उखाड़, बोला महाराज कैसी बातें करते हुए कैसे उखड़ेगा? बोला यही सिखाना चाह रहा था कि एक बार जड़ें गहरी हो जाए ना तो उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम पढ़ते हैं, आजकल ये हो रहा है कि हम मैक्सिमम हमारा फोकस ये होता है कि हम पढ़ेंगे और ये चीज मतलब जॉब करेंगे, लेकिन ये होता है कि जब वो नहीं होता हमारे से तो हमें मतलब हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए कि हाँ अब इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है, मे बी वो ना हो कुछ बड़ा, मतलब अपनी थिंकिंग को कैसे बढ़ाएं वॉस करें। देखो ये जो सोच है ना कि मुझे पढ़ना है और फिर मुझे जॉब चाहिए, ये सोच ही गलत है।
अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे स्टैंड पॉइंट से सोच पता है क्या होनी चाहिए। इतना तगड़ा इंस्ट्रूमेंट हमको मिला हुआ है, ये जो ह्यूमन बॉडी है इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो, कितना कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, क्या ब्रेन है हमारे पास में, क्या थिंकिंग पावर है, क्या एबिलिटीज है। इसको हम यूज कर रहे हैं किस लिए, सर्वाइव होने के लिए। सर्वाइव तो जानवर भी कर जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो नॉलेज को यूज करो, यानी एजुकेशन को यूज करो कुछ क्रिएट करने के लिए, माइंडसेट को चेंज करो। अभी क्या एज है, 20 साल 22 साल। अभी सोचो कि मैं अपनी पूरी लाइफ को क्रिएट करने वाली हूं, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, अभी पूरी लाइफ पड़ी है, उसको कैसे क्रिएट करना चाहते हो आप, कैसी लाइफ चाहते हो आप, उसको क्रिएट करो। और उस नॉलेज को, उस एजुकेशन को यूज करो उसको क्रिएट करने के लिए। अगर एजुकेशन सिस्टम से वो नॉलेज नहीं मिल रही है तो बाहर से ले लो, इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं इसको। इंटरनेट पे भरी पड़ी है नॉलेज, नॉलेज की कहां कमी है। और अपने दिमाग को खोलो, सिर्फ ये लाइफ नहीं है कि मैंने यहां से ये पढ़ाई करी, उसके बाद में मुझे जॉब लग गई तो मैं सक्सेस हूं, जॉब नहीं लगी तो मैं फेलियर हूं। अरे नहीं, वो समय गया, आज अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। फिर भी अगर हम ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा दिमाग खुला नहीं है, दिमाग बंद है। बोलते हैं ना, माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट कांट वर्क अनलेस इट्स ओपन। तो दिमाग को खोलो, देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। जॉब इज नॉट द ओनली वे टू मेक मनी, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू मेक मनी। यू मस्ट हैव दैट capability to create something of value for the society, for the world. अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो दुनिया तैयार है आपको पैसा देने के लिए। आप इसको ऐसे देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आपकी लाइफ में मानो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या सर्विस से सॉल्व हो जाती है, आप पैसे दोगे या नहीं दोगे? देंगे। दोगे ना, तो और लोग भी तो आपको देंगे, इसी को तो बिजनेस बोलते हैं। मेरा एक वीडियो है, अगर टाइम मिले तो देखना, कि इस दुनिया में जंगल का शेर बनना सर्कस का नहीं। शेर तो सर्कस में भी रहता है ना, अब वो जो चाबुक वाला ना उसको नचाता है, आग में से भी कूदने को बोलता है तो बेचारा कूद जाता है। उसको सिर्फ सहूलियत ये होती है कि उसको टाइम पे खाना मिल जाता है बस। लेकिन जो जंगल का शेर है उसको कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, उसको रोज हॉन्ट करना पड़ता है। एवरी डे व्हेन द सन राइजेस उसको भागना पड़ता है शिकार के लिए, नहीं तो वो शाम का अपना सूर्यास्त नहीं देख सकता, मर जाएगा। डेली भागना है, डेली दौड़ है, डेली लड़ाई है, डेली जंग है उसकी। लेकिन सर्कस के साथ कोई जंग है ऐसी नहीं, उसको धूप की तकलीफ नहीं है, धूप उसको पड़ेगी नहीं, बारिश उस पर आएगी नहीं, सेफ सिक्योर है, मस्त रह रहा है, उसकी टेक केयर हो रही है। लेकिन साला कोई जिंदगी है, बच्चे भी पूंछ पे हाथ लगा के चले जाते हैं जब पूंछ बाहर घूम रही होती है। अब यही पिंजरा हटा दो, अब बच्चे को बोल हाथ लगाइयो, है ना। तो जिंदगी में बनना, तो जंगल का शेर बनना चैलेंजेस होने चाहिए। आराम से दो टाइम का खाना मिल जाएगा वो तो सर्कस वाली कहानी है, मुझे सूट नहीं करती। जंगल में रहे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन शान से जिएंगे। 100 साल की नालायक जिंदगी से 30 साल की साले शानदार जिंदगी ज्यादा अच्छी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।